हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और लेट के लिए प्यारे बच्चों हम क्षमा चाहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अभी आप सभी को पता होगा कि आपके यहाँ पर शादी का माहौल है जी, हर जगह शादी हो रहा है। और हमारा जहाँ कोचिंग पड़ता है प्यारे बच्चों, इसके पास में मंदिर है, और वो शादी में पानी उनी भरने के लिए लोग जाते हैं, बहुत तेज में स्पीड में गाना बजता है, जिसकी वजह से आज पूरा दिन अच्छे से काम वगैरह शाम को नहीं हो पाया, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ बिजी हैं ऑफिस के सब लोग, इसलिए मैं समय पर कंटेंट तैयार नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आएँ, आप मुझे बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर कर दें आप लोग, ठीक है। लेट होने का पीछे वही रीज़न है कि इतना ज़्यादा मतलब फुल स्पीड में गाना बजता है, साउंड बजता है, कि कुछ कर नहीं पाएंगे लोग, ठीक है। बहुत तेज़ गाना बजता है, और मैं अगर लाइव आ भी जाता उस समय तो आप लोग कहते सर मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ गाना बज रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता प्यारे बच्चों। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट करके आया, पर मैं आया ज़रूर। बताइए कैसे हैं आप लोग? बहुत नाराज़ हैं मुझसे क्या? अपने सभी दोस्तों में आप लोग एक बार शेयर कर दें स्पीड में। कहते हैं शुभ काम करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैं लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऑफिस में कोई था नहीं, शादी का माहौल है हर जगह, हर किसी के रिश्तेदार में शादी है। मुझे अगर मेरी बात करो प्यारे बच्चों, तो कम से कम 8 से 10 जगह से मुझे कार्ड आ चुका होगा, 8 से 10 जगह से मुझे कार्ड आया। सब लोग कहते हैं सर आपको बारात जाना पड़ेगा। भाई साहब अगर मैं बारात जाऊँगा तो फिर पढ़ाएगा आप लोगों को कौन? इसलिए मैंने कहा मैं बारात उरात तो नहीं जा पाऊँगा, पर ठीक है शादी हो रहा है तो होने दो, ठीक है। पहले बच्चों आज हमारा क्या क्या होने वाला है, मैंने क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव में करा दिया और किसका किसका नोट्स आपको दे दिया पहले बताओ। सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स पढ़ा दिया है, जिसको अभी तक मैं लगभग 53,000 स्टूडेंट ने देखा है। दूसरा हमने आपको बायोलॉजी पढ़ा दिया है, जिसको लगभग 44K लोगों ने अभी तक देख लिया वीडियो को। तीसरा हमने आपको पढ़ा दिया है क्या बताओ, केमिस्ट्री, जिसे प्यारे बच्चों लगभग 33K लोगों ने देखा है। चौथा मैंने कल आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव, जिसको लगभग 29K 30,000 लोगों ने देखा है। पांचवा आज मैं हिंदी का वर्णिका पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इसमें मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, इस सब का नोट्स आप वर्णिका बुक का कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं 100 में से। वर्णिका अगर 100 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है हिंदी में, तो उसमें से वर्णिका का क्या वेटेज है 100 में से बताओ, एक अंदाजा लगाओ कि लगभग 100 में से कितने नंबर वर्णिका से आएंगे। जल्दी तेजी में फटाफट से बताइए, फटाफट बहुत स्पीड में, हाँ जल्दी बताओ 100 में से कितने आने चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग पहले बताओ सर 100 में से 15, 20, 18, जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जल्दी 100 में से सर 30 का वेटेज है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, लगभग प्यारे बच्चों 10 से 15 का वेटेज है, 10 से 15 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वर्णिका से होते हैं, और सबसे इजी होते हैं वर्णिका, वर्णिका बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों। तो मैं इसलिए कहता हूं कि यह फ्री का नंबर है, यह नंबर प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का नंबर है, बस इसमें आपको थोड़े से मेहनत से पढ़ने हैं। 100 में से 10 से 15 नंबर आपको एकदम फ्री में मिलने वाले हैं। आप लोग बताओ कौन कौन ऐसे बच्चे जो पहले मुझसे वर्णिका पढ़ चुके हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो, नहीं पढ़ चुके तो नो कर दो, है ना। जो लोग मुझसे पहले वर्णिका पढ़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में यस कर दो, नहीं पढ़े तो नो कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारी वर्णिका की हर वीडियोस पर 1 लाख प्लस व्यूज है, यानी वर्णिका की हर वीडियोस को 1 लाख से अधिक बच्चों ने देखा है, 1 लाख से। दही वाली मगम्मा को लगभग 4 लाख लोगों ने, दही वाली मगम्मा को 3.5 या 4 लाख लोगों ने देखा होगा, 3.5 या 4 लाख लोगों ने देखा है दही वाली मगम्मा को, हर पार्ट को। यस और नो करके कमेंट सबका आ रहा है, मन ऐसा कर रहा है प्यारे बच्चों कि आज क्या कर दूं, बहुत स्पीड है ना, मतलब किस स्पीड में पढ़ाऊं, है ना। कहते हैं कि इसके बाद आपको नोट्स मिलेगा, जैसे ही आपका ये क्लास हो जाएगा आपको ये नोट्स मिलेगा। देखिए ये नोट्स प्यारे बच्चों जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, इस नोट्स में हर वो क्वेश्चन है वर्णिका का, हर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, किसी बुक से, किसी मॉडल पेपर से, किसी गैस पेपर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का नोट्स आपको मिलेगा। और इस तरह से देखिए कितने कम पेज में आपको मिलेंगे, देखिए ये वर्णिका खत्म, ये वर्णिका प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस में खत्म है, इसको मैं और कम करूंगा, मैं 4 पेजेस में आपको दे दूंगा। और ये नोट्स कहाँ मिलता है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें सब लोग। यस, ये नोट्स प्यारे बच्चों आप सभी को मिलेंगे कहाँ पर, ये मिलेंगे आपको पेड व्हाट्सएप क्लास पर, पेड व्हाट्सएप क्लास पर आपको मिलेंगे। और आप लोग मुझे बताइए पेड व्हाट्सएप क्लास में
प्यारे बच्चों, अभी का नया जो आंकड़ा है हमारा, लगभग 72% लोग जुड़ चुके हैं, है ना। मात्र 28% हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं, हमारे प्यारे दिल के टुकड़े ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाना प्यारे बच्चों, एक बार गुरु जी को बस दक्षिणा देना 7700879453 पर आप कॉल करना। मुझे आपका सारा नोट चाहिए सर, 251 हमारा फीस है। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोला गुरु जी आपका कोई नोट्स फ्री में दे रहा है क्या? आप लोगों ने क्या था कॉल, किसने क्या था जल्दी बोलो कि सर आपका नोट्स कोई बच्चा फ्री में दे रहा है। मैंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए मैं पूरी दिल से पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूं, बस 250 रुपए लेता हूं। मैं चाहूं बच्चों तो हर नोट्स का अलग अलग फी ले सकता हूं, पर नहीं लेता हूं। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, गुरु जी के नोट्स को फ्री में ना दें, ताकि प्यारे बच्चों आपके साथ साथ हमारा भी कुछ हो, हमारा ऑफिस चल पाए, हमारा ये पूरा जो सेटअप है पूरी हमारी कंपनी चल पाए अच्छे से, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपकी इच्छा जो है वो आप कर सकते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। आइए, आज क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं एक बार फिर से बताएं। क्वेश्चंस की संख्या प्यारे बच्चों बहुत कम है आज। कहते हैं गुरुजी कितने क्वेश्चंस पढ़ाओगे, 125। कितने पढ़ाओगे, 125। कितना आ जाएगा इसमें से 10 नंबर, कितनी गारंटी है, 100%। 100% गारंटी आज के क्लास से आपको 10 नंबर मिलेगा। 125 क्वेश्चंस में से 10 नंबर तो आपके एग्जाम में फिक्स है, 10 नंबर तो आपके एग्जाम में फिक्स है प्यारे बच्चों। आइए इस जोश और जुनून के साथ करते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला पाठ है बच्चों की दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? आप कहेंगे सर किसको पता नहीं है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवासन। कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास इस पाठ के लेखक हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर श्रीनिवास इस पाठ के लेखक हैं। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे बच्चों मैंने यहां पर एक बुक रखा था, है ना, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीनिवास का विजय यहां ना, वर्णिका का बुक दो खोज के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आता है हमारे पास कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दो लिखा गया है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, है ना। मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है बच्चों? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का अगर आप पूरा नाम देखोगे तो नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है ना बच्चों। नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश। मास्ती वेंके वेंकटेश, है ना, वेंकटेश वेंके मास्ती। क्या नाम है बच्चों? मास्ती वेंकटेश अयंगार। वेंकटेश वेंकटेश अयंगार, अयंगार अयंगार इनका पूरा नाम है प्यारे बच्चों। कितना प्यारा नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में। कहते हैं श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्ष बताइए श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों कहते हैं श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून या मई था, 6 जून 1891। 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। आपको ईस्वी याद रखना है 1891। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोगों ने याद किया होगा, जल्दी बताओ कि श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। तो कहते हैं कि कोलार कर्नाटक, श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास का जन्म हुआ था, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच में चलते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है। यह पाठ प्यारे बच्चों किस भाषा में है, सबसे पहली मैं बात करूं कि दही वाली मगम्मा पाठ किस भाषा में है, तो आप बोलोगे सर इसका भाषा क्या है। इस पाठ का भाषा है सर कन्नड़। क्या है? कन्नड़। कन्नड़ हमारी भाषा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि कन्नड़ भाषा है लेकिन इसको हिंदी में किसने किया है, यानी इस पाठ के अनुवादक कौन है, तो आप कहेंगे सर इस पाठ के अनुवादक हैं बी आर नारायण। कौन है? बी आर नारायण इस पाठ के अनुवादक हैं। बी आर नारायण इस पाठ के अनुवादक हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। तो दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, है ना। आगे बढ़ते हैं। यह कौन सी भाषा में थी, तो कन्नड़ भाषा में, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छह में मगम्मा क्या भेजती थी, नहीं बच्चों क्या बेचती थी, सॉरी मिस्टेक है, मगम्मा क्या बेचती थी बताओ। मगम्मा क्या बेचती थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गुरुजी। मगम्मा दही बेचती थी। आंसर क्या होगा कि मगम्मा दही बेचती थी। आंसर बोलो मगम्मा दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों की मगम्मा का विवाद किससे था, बार बार मगम्मा लड़ती रहती थी किसके साथ बताओ। मगम्मा का विवाद किसके साथ था, आप बोलेंगे सर मगम्मा का विवाद था नजम्मा के साथ। मैं पूछूंगा नजम्मा कौन थी, तो नजम्मा उसकी बहू थी बच्चों। क्या थी? बहू। इसके साथ उसका विवाद बार बार होता रहता था, है ना, अपने बेटे पर अधिकार लेकर। बहू कहती थी बेटा मेरा है और माँ कहती थी बेटा मेरा है। तो नजम्मा का विवाद किसके साथ था, बहू के साथ, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कहते हैं कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था।
मगम्मा की बहू का नाम क्या था, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। कहते हैं गुरुजी मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा, नजम्मा उनकी बहू का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कहते हैं दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। एक एक प्रश्न आपके पास होना चाहिए कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, नंबर उठाना। तो हिंदी में आसान है, सबसे आसान। कहते हैं बच्चों की दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो हमने बोला यह कन्नड़, किसकी? कन्नड़ भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। आपके अंदर से आंसर फटाफट निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी। मगम्मा जो थी मिठाई, प्यारे बच्चों, दही बेचने के बाद उधर से वापस जब आती थी तो साथ में मिठाई लेकर आती थी, किसके लिए बताओ। कहते हैं कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो आंसर है बच्चे पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए वह क्या लाती थी? मिठाई लाती थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग मुझे कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। गुरुजी ऑब्जेक्टिव को खत्म करके ही मानोगे क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव का एकदम आपके अंदर से वो डर खत्म करके प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, तब मैं मानूंगा। कहते हैं बच्चे पोते के लिए, बताओ 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 10 में से 10 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए कि मगम्मा जो थी वह मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो आंसर होगा पोते के लिए मिठाई ले जाती थी। 10 में से 8 कहने वालों सुन लो कान खोल करके, 10 में से 10 आंसर आना चाहिए, 10 में से 10। हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई यहां पर साइंस या सोशल साइंस नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन है मगम्मा कहां रहने वाली है ना, कहां की रहने वाली थी। प्यारे बच्चों मगम्मा कहां की रहने वाली थी, तो कहते हैं अवलूडू के पास, है ना, अवलूडू के पास के गांव की, है ना, अवलूडू के पास के गांव की, अवलूडू के पास के गांव की रहने वाली थी मगम्मा। प्यारे बच्चों अवलूडू के पास के गांव की रहने वाली थी। अगर पूछेंगे कि मगम्मा दही बेचने कहां जाती थी, तो कहते हैं बैंगलोर। कहां? बैंगलोर। बैंगलोर में वह दही बेचती थी बच्चों। मगम्मा बैंगलोर दही बेचने जाती थी, लेकिन उसका गांव कहां था, वह कहां रहती थी, तो अवलूडू के पास के गांव की, अवलूडू के पास के गांव में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। कहते हैं प्यारे बच्चों कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ऑप्शन ए दबाव में, ऑप्शन बी, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, याद रखना बच्चों कि बहू ने मजबूरी में कर लिया था। किसमें? मजबूरी में। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो आंसर कहना गुरुजी मजबूरी में कर लिया था। किसमें? मजबूरी में समझौता कर लिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था दही बेचने के लिए, है ना, दही बेचने के बाद, और उसे डर था कि उसके गांव का जो रगंपा था उससे पैसा ले लेगा, इसलिए मजबूरी में उन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तो आंसर क्या होगा बच्चों? मजबूरी में। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि अमराई का कुआं कहां था। अमराई का कुआं कहां था? ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी रास्ते में, ऑप्शन डी दुकान में। कहीं पर हम बोल सकते हैं ना कि अमराई का कुआं कहां था, बताओ। प्यारे बच्चों याद करो कि जब मगम्मा दही बेचकर आती थी तो एक, है ना, एक रगंपा था जो उसको अमराई के कुएं के पास मिलता था। कहते हैं अमराई का कुआं कहां था, तो कहते हैं बच्चों अमराई का कुआं रास्ते में था। कहां पर था? अमराई का कुआं रास्ते में था। भूलना मत इस क्वेश्चन को, 100% टच करने वाला क्वेश्चन है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था, है ना, क्या बोला था कि क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था। प्यारे बच्चों आप सभी को याद होगा कि मगम्मा ने बोला था अपनी बहू को, क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने बोला था, तो आंसर होगा सर जी मगम्मा ने बोला था। मगम्मा ने बोला था, किसे बोला था, तो अपनी बहू को, किसे बोला था, तो अपनी बहू को बोला था कि इस बच्चे को क्यों पीट रही है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी। इतना प्यारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नजम्मा जो थी वो मगम्मा की कौन थी। बच्चों क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, आंसर आता है वह उसकी बहू थी। क्या थी बच्चों? बहू थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि रगंपा कौन था। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि रगंपा कौन था, ठीक है ना, रगंपा कौन था। प्यारे बच्चों रगंपा जो था उसके गांव में शिक्षक था, स्टूडेंट था, जुवारी था, शराबी था, क्या था बताओ। तो कहते हैं कि रगंपा जो था वो मगम्मा के गांव का जुवारी व्यक्ति था। क्या था? जुवारी था, जुआरी था, है ना, जुआरी था, जो जो मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था,
जो मगम्मा से क्या चाहता था बच्चों, मगम्मा से कुछ पैसे उधार बोल सकते हो, कुछ पैसे उधार बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि उधार के जगह पर एक शब्द करो कर्ज मांग रहा था, कर्ज मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहती थी या जमा करती थी, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहती थी या जमा करती थी, जल्दी बताओ। मगम्मा दही बेचकर जो पैसा होता था वह किसके पास जमा करती थी या जमा करना चाहती थी। तो बच्चों मगम्मा जो था सारा का सारा पैसा माँ जी के पास, किसके पास, माँ जी के पास जमा करती थी, माँ जी के पास, यानी लेखक की जो माँ थी उसी के पास वह जमा करती थी। तो माँ जी के पास आंसर क्या होगा, माँ जी के पास, बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर एक साथ आ रहा है गुरुजी, माँ जी के पास। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है कि घरवालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने बोला। आपको पता है बच्चों कि मगम्मा विधवा थी, इसलिए वह बार बार कहती थी कि जब मेरे घरवाले थे यानी मेरे पति थे उस समय मुझे एक साड़ी नसीब नहीं हुआ था, घरवालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने बोला था, जल्दी बताओ। ऐसा किसने बोला कि घरवालों के रहते मुझे अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा कहने वाले कौन थे। तो मगम्मा थी जिन्होंने बोला था कि घरवालों के रहते मुझे अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, कहते हैं कि मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे, है ना। मगम्मा का बहुत मन था जब रईस लोगों को देखती थी पहनते हुए तो मगम्मा के मन में आता था कि मुझे भी ऐसा कपड़ा का ब्लाउज पहनना है। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे, तो याद कीजिएगा मखमल, क्या था बच्चों, मखमल के कपड़े की ब्लाउज बनाए थे, किसने, मगम्मा ने, है ना, मगम्मा ने मखमल के कपड़े की ब्लाउज बनाई थी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आता है 20 की, मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी। हाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी। एक एक क्वेश्चन को हमने उठाया है जो आपके पेपर में बन सकता है बच्चों। तो मखमल की जो उसकी ब्लाउज थी बच्चों उसकी प्राइस थी मात्र 8 रुपए, 8 रुपए की ब्लाउज उन्होंने पहना था उस समय, 8 रुपए बहुत होता होगा, 8 रुपए प्यारे बच्चों, कितना है 8। अब बताओ 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, क्या आप लोगों ने लाइक प्यारे बच्चों 2K पहुंचाया नहीं पहुंचाया, सब लोग लाइक करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, कहोगी आज फ्री का नंबर मिल रहा है हिंदी, बिल्कुल फ्री का नंबर है बच्चों, कुछ भी दम नहीं है हिंदी में, बस आप अच्छे से पढ़ते चलो। 8 रुपए का ब्लाउज था और हम कह सकते हैं यहां पर, अब बताओ मुझे कि 20 में से कितने स्कोर हुए, एकदम पक्के फुल नंबर आपको मिलने चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, यस गुरुजी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आता है, मगम्मा क्या खाती थी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शन ए में आता है गुटका, ऑप्शन बी में पान सुपारी, ऑप्शन सी में मान के चलो कुल्फी, ऑप्शन डी में कुछ दे दे, तो बताओ क्या लिखोगे। मगम्मा क्या खाती थी बच्चों, मगम्मा खाती थी पान सुपारी, है ना, मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी, आंसर माना है कि मगम्मा पान सुपारी खाती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, जल्दी बताओ किस कहानी का अनुवाद मगम्मा ने किया है, सॉरी बच्चों है ना, बी आर नारायण ने किया है, तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम है ना, दही वाली मगम्मा कहानी का क्या किया है, अनुवाद किया है, दही वाली मगम्मा कहानी का। क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारे पास, दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है, यानी किसके बारे में इस पूरे पाठ में चर्चा हुआ है, यानी दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है, यानी घूर फिर के कहानी किस पर आता है बताओ। कहते हैं कि दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है, तो कहते हैं बच्चों मगम्मा है, कौन है, मगम्मा इस पाठ के केंद्र में है, मगम्मा ही इस पाठ के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नंबर फर्स्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट से 23 क्वेश्चन मैंने बनाए और मुझे पूर्ण भरोसा है कि 23 में से आपका 23 क्वेश्चन सही हुआ होगा, सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे और आप लोगों ने बढ़िया किया बच्चों। चैप्टर 1 कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को बधाई हो, कॉन्ग्रेट्स प्यारे बच्चों। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, नोट्स मिलेगा प्रॉपर नोट्स, उसको घर पे बैठ के पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास कहानी नंबर 2, ढहते विश्वास, ठीक है ना। अब जल्दी से बता दो मुझे कि ढहते विश्वास, अगर मैं पूछूं बच्चों कि ढहते विश्वास किस राज्य की कहानी है, ढहते विश्वास किस राज्य की कहानी है, आप बोलोगे सर ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा की है, उड़ीसा की कहानी है ढहते विश्वास। प्यारे बच्चों उड़ीसा में क्या आता है, तो आप कहोगे सर बाढ़ और सुखार कहाँ आता है, उड़ीसा में। मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, तो आप बोलोगे सर लक्ष्मी इसकी मुख्य पात्रा है, कौन है, लक्ष्मी इसकी मुख्य पात्रा है। शुरू किया जाए, यस बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया।
सुना स्टार्ट किया जाए। यस यस उड़ीसा गुरुजी उड़ीसा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि 7 दिनों की आंधी आने से किसी का भी विश्वास ढह सकता है। ट्रिक बताया था बच्चों कि 7 दिनों की आंधी, इसका मतलब है इसके होंगे 7 कोड़ी होता, है ना। 7 कोड़ी होता इसके लेखक हैं। नाम क्या था बच्चों? 7 कोड़ी होता इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में, कहते हैं 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। बताइए किस भाषा के, किस भाषा के। हम पढ़ रहे हैं बच्चों उड़िया कहानी, हम पढ़ रहे हैं उड़िया कहानी, तो कौन सी भाषा होगी बताओ? तो कहते हैं गुरुजी उड़िया भाषा। क्या होगा? उड़िया भाषा होगा। कि 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया। अगला क्वेश्चन हमारा कि 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। कहते हैं कि हम लिख रहे थे 1919, तो लिखाता था 29। मैंने बताया था ट्रिक आपको कि मैं लिख रहा था 19, तो लिखाता था 29। बच्चों 29 अक्टूबर जन्म हुआ था कब? 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर याद कीजिए, 29 अक्टूबर 1929 में जन्म हुआ था। किसका? 7 कोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929। क्वेश्चन है बच्चों 7 कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, याद कीजिए। बात उड़ीसा की हो रही है, बात उड़ीसा की हो रही है, तो इनका जन्म मयूरभंग उड़ीसा में हुआ था, है ना। तो मयूरभंग ऑप्शन में रहेगा बच्चों, मयूरभंग उड़ीसा। क्या रहेगा? मयूरभंज, मयूरभंज भंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 7 कोड़ी होता का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आता है कि किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर पूछा जाए, ऑप्शन में दिया रहे बहुत सारा बच्चों कि 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें किसकी प्रकाशित हो चुकी है, तो आंसर बताइए। आंसर होगा प्यारे बच्चों 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता का 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें, 7 कोड़ी होता का 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 29 नंबर, क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक, पहला कहानी क्या था? दही वाली मगम्मा, उसके अनुवादक कौन थे? B.R. नारायण। दूसरा कहानी क्या है? ढहते विश्वास, और इसके कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है बच्चों? है ना, ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद इसके अनुवादक हैं, राजेंद्र प्रसाद इसके अनुवादक हैं। आंसर अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट्स करेंगे गुरुजी राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है कि ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है। ढहते विश्वास कहानी की जो मेन पात्रा है, मेन करेक्टर कौन है बच्चों? तो ढहते विश्वास कहानी की जो मुख्य पात्रा है वो है बच्चों लक्ष्मी। कौन है वो? है लक्ष्मी। आंसर होगा बच्चों लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। भाई साहब ये क्वेश्चन को तो नजर ना लग जाए, इतनी बार पूछा गया एग्जाम में, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो उनके पति का नाम लक्ष्मण है। गुरुजी इस बार प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, हम इसका टेंशन खत्म हो जाएगा, रख लेंगे घर में, पढ़ते रहेंगे। कहते हैं कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था, लक्ष्मण काम कहाँ करता था या कहाँ काम करने गया था। आप बोलोगे सर लक्ष्मण काम करने के लिए कोलकाता गया था। कहाँ गया था? कोलकाता गया था काम करने के लिए सर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, है ना, 33 नंबर क्वेश्चन कि लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना बीघा खेत छोड़ गए थे। लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो कितना बीघा खेत छोड़ गए थे। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आया था। हाँ बच्चों स्कूल के एग्जाम में आया था कि लक्ष्मी के पूर्वज कितना बीघा खेत छोड़ गए थे, तो आंसर होता है बच्चों 1 बीघा, 1 बीघा खेत छोड़ गए थे उनके पूर्वज। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के ससुर कहां मारे गए थे। लक्ष्मी के ससुर जो हैं प्यारे बच्चों वो कहां मारे गए थे, तो आंसर याद रखिएगा लक्ष्मी के ससुर जो है वो बांध में काम करते हुए मारे गए थे। बांध में काम करते हुए कहाँ काम करते हुए मारे गए थे, तो याद रखना बांध में, बांध में काम करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी पत्थर के दबने से, या है ना आप कुछ कह सकते हो कि बांध में काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं पूछूं प्यारे बच्चे आपसे कि ये बताओ कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो तुरंत आपका आंसर आएगा गुरु जी जानते नहीं क्या, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है सर, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, भूल गए क्या। चलिए हीराकुंड बांध कहाँ पर है, है ना, उड़ीसा में। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे। महाराज ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, बताओ किस शहर को बचाने के लिए, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, जल्दी बताओ किस शहर को, भुवनेश्वर शहर को या फिर कटक शहर को, किसको,
किस शहर को बचाने के लिए महाराज किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? जल्दी बताओ स्पीड में, बहुत बढ़िया स्पीड में प्यारे बच्चों आंसर बताओ। यस यस सर जी, किस शहर को? भुवनेश्वर शहर को, भुवनेश्वर शहर को या कटक शहर को? अरे कमेंट, हाँ भुवनेश्वर शहर को, चलो भुवनेश्वर शहर को, भुवनेश्वर शहर को, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे। बड़ा कंफ्यूजन होता था मुझे, कहता लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? इस क्वेश्चन को देखोगे इतनी बार पूछा गया है कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था। प्यारे बच्चों लक्ष्मी का जो घर था ना वो देवी बांध के नीचे था, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। कहते हैं ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? सबसे अधिक प्रकोप किसका दिखाया गया है बच्चों ढहते विश्वास कहानी में? कहते हैं कि ढहते विश्वास कहानी में प्रकोप दिखाया गया है बाढ़ का, बाढ़ का, ठीक है ना। सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया, बाढ़ का। क्वेश्चन नंबर 37 आता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? एकदम फेमस और पसंदीदा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। नोट्स मिल जाएगा बच्चों, घर पे आराम से पढ़ते रहना डेली 10 मिनट। कहते हैं लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। मैं पूछूं बच्चों कि लक्ष्मी के कितनी संतानें थी तो आप कहना गुरुजी 4 संतानें थी। मैं पूछूं लक्ष्मी के कितनी बेटियां थी तो 2 बेटियां और 2 बेटे थे, है ना, है ना, 2 बेटे और 2 बेटियां थी, ठीक है ना। लक्ष्मी के टोटल 4 बच्चे थे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन कि लक्ष्मी किसके यहां पर काम करने जाती थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके यहां पर काम करने जाती थी। आपको पता है ना कि उसके पति कोलकाता में थे, है ना, ज्यादा जमीन वगैरह था नहीं, तो क्वेश्चन ये आता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करने जाती थी? तो आंसर है बच्चों तहसीलदार, तहसीलदार के यहाँ काम करने जाती थी लक्ष्मी, तहसीलदार के यहाँ पर काम करने जाती थी। याद कीजिएगा, कहीं सरपंच मत मार दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे गलती से सरपंच लगा देते हैं। आंसर होगा बच्चों तहसीलदार। सर नोट्स कब मिलेगा? क्लास खत्म होने के 2 घंटे के बाद नोट्स मिल जाएगा, 2 घंटे बाद इसका प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी के गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था? लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का क्या, है ना, कौन था? उसका नाम बच्चों अच्युत था। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का जो था उसका नाम, सॉरी बच्चों, है ना, गुणनिधि, क्या था? गुणनिधि। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का जो था उसका नाम गुणनिधि था बच्चों, क्या था? गुणनिधि। और आपसे पूछा जाए कि गुणनिधि ने कौन सा संगठन बनाया था, गुणनिधि ने कौन सा संगठन बनाया था, तो कहते हैं स्वेच्छा सेवक, है ना, स्वेच्छा सेवक, स्वेच्छा सेवक नामक संगठन किसने बनाया था? गुणनिधि ने बनाया था, है ना, गुणनिधि ने प्यारे बच्चों स्वेच्छा सेवक संगठन बनाया था। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर आता है, बाढ़ आने की खबर किसे सुनानी थी? प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि सब लोग जब बाढ़ आने वाले थे गांव में तो सब लोग जो है ना बांध पर जाकर के, सभी लड़के जितने भी लड़के थे, मंदना मतलब शिव था, जो भी अच्छे अच्छे लड़के थे सब बांध पर जाकर रुके थे, और बाढ़, है ना, और बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो कहते हैं सरपंच साहब को, सरपंच साहब को बाढ़ आने की खबर किसे बतानी थी? सरपंच साहब को बाढ़ आने की खबर बतानी थी, खबर बतानी थी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, आप अंदाजा लगाओ बच्चों की 40 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया होगा, एक अंदाजा लगाओ, अप्रोक्स 125 क्वेश्चन ही है तो 40 में से आपने कितना किया होगा। मैं आज हिंदी को भी आगे बढ़ाता बच्चों, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहा कि मैं आपका आगे वाला नोट्स तैयार नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी आगे वाला भी नोट्स तैयार हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक अप्रोक्स बताओ कि 40 क्वेश्चन में से आपको कितने याद हैं? यस यस गुरुजी, मुझे लगभग सारे क्वेश्चन याद हैं 40 में से कितने क्वेश्चन आपको याद थे? यस, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी के कुल कितने संतान थी? मैंने पूछा था ना क्वेश्चन कि लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, तो बच्चों लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे, जिसमें से मैं पूछूं आपसे कि कितने बेटे कितने बेटियां, तो 2 बेटे और 2 बेटियां लक्ष्मी के यहां पर थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि लक्ष्मी के कितने बेटियां थी, ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि लक्ष्मी के कितने बेटियां थी। आप बोलोगे सर लक्ष्मी के 2 बेटियां थी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ढहते विश्वास कहानी में, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया गया है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम है ना,
दैत्य विश्वास कहानी में है ना, किस राज्य को, तो उड़ीसा को। उड़ीसा को प्यारे बच्चों बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि दैत्य विश्वास कहानी में स्कूल कहां है। बच्चों दैत्य विश्वास कहानी में स्कूल कहां है, तो याद रखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। दैत्य विश्वास कहानी में जो स्कूल है ना वो टीले के नीचे था। स्कूल कहां था बताओ, स्कूल टीले के नीचे था, टीले के नीचे स्कूल था। कहते हैं कि जिस बार अधिक पानी आया था तो पानी कहां तक पहुंच गया था, तो कहेंगे स्कूल के छत पर, है ना। इस बार पानी कहां पहुंच गया था, क्वेश्चन आएगा कि इस बार पानी कहां पहुंच गया था, तो कहना स्कूल के छत पर, स्कूल के छत पर पानी पहुंच गया था, स्कूल के छत पर पानी पहुंच गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर आपके सामने आता है कि कौन हल्ला कर बांध से सबको सचेत कर रहे थे। क्वेश्चन है बच्चों कि कौन हल्ला करके बांध से सबको सना सॉरी कौन हल्ला कर बहना बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। ऑप्शन में दिया रहेगा बहुत सारा, ऑप्शन ए में रहेगा बच्चों गुण निधि, ऑप्शन ए में रहेगा गुण निधि, ऑप्शन बी में रहेगा अच्युत, ऑप्शन बी में क्या रहेगा अच्युत, ऑप्शन तीन में रहेगा बच्चों, ऑप्शन सी में रहेगा शिव, है ना शिवा, या फिर जो भी नाम था बच्चों शिव शंकर, ऑप्शन डी में रहेगा सभी। तो प्यारे बच्चों सभी लोग जो थे वो हल्ला करके बांध से सबको सचेत कर रहे थे, तो आंसर बोलना इनमें से सभी, ऑल सभी लड़के, एक दो नहीं सभी लड़के, आंसर कहना प्यारे बच्चों जितने भी लड़के थे सभी लड़के सबको सचेत कर रहे थे। सोचो क्या उस समय का मतलब वो रहा होगा, बहुत ही भयावह दृश्य रहा होगा। कहते हैं प्यारे बच्चों की स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था बताओ, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बच्चों कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, तो आंसर आएगा बच्चों गुण निधि। आज कैमरा फिर से कुछ कर रहा है क्या, फिर से कैमरा ब्लर हो रहा है क्या, यस और नो, कैमरा ब्लर हो रहा है तो बताओ एक बार मुझे, ऑटो पर क्लिक कीजिए उसके बाद मैनुअल कर दीजिए, ठीक है जल्दी बताओ, कैमरा अगर ब्लर कर रहा है तो मुझे बताना बच्चों, ठीक है ना। गुण निधि ने क्या था, क्वेश्चन 47 नंबर है कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है, किस कहानी में लक्ष्मी के बारे में चर्चा है बताओ, केंद्रीय पात्रा किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है, तो आप बोलेंगे सर दैत्य विश्वास, है ना, दैत्य विश्वास कहानी की केंद्र पात्रा कौन है, तो आप बोलोगे सर लक्ष्मी इसकी केंद्र पात्रा है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में दर्शाया गया है, बाढ़ की समस्या किस कहानी में है, तो प्यारे बच्चों बाढ़ की समस्या बताओ किस कहानी में है, आप बोलोगे कि जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं सर दैत्य विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है, दैत्य विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि दैत्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है, दैत्य विश्वास प्यारे बच्चों किस भाषा से अनुदित है, ऑप्शन ए में मिलेगा आपको गुजराती, ऑप्शन ए में गुजराती, ऑप्शन बी में मिलेगा कन्नड़, ऑप्शन बी में कन्नड़ मिलेगा, ऑप्शन सी में मिलेगा बच्चों आपको मान के चलो उड़िया भाषा, उड़िया, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा मान के चलो राजस्थानी। आंसर बोलो जल्दी से, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है कि दैत्य विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो दैत्य विश्वास उड़िया भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 50 आ रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, बारी बारी से जो गांव के लड़के थे बच्चों वो किसकी निगरानी कर रहे थे बताओ, बगल में एक बांध था बच्चों ललई बांध, क्या नाम था, ललई या दलई था बताओ, है ना, दलई बांध के टूटने पर ही पानी आ सकता था, इसीलिए बारी बारी से लड़के किसके इंतजार कर रहे थे बताओ, है ना, बारी बारी से लड़के, अरे ये मैंने क्या कर दिया, कैमरा मैंने काला कर दिया, अरे ऑटो मैनुअल, कैमरा काला कैसे हो गया, काला हो गया क्या, अरे कैमरा काला हो गया क्या बताओ, अब तो हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सर जी, कैमरा ठीक नहीं है, वही तो हम सोच रहे हैं क्या कर दिए हम कैमरा में, पता नहीं कैमरा में क्या कर दिए कैमरा, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट उठ जला दो भैया ज्यादा, तो है ना, हाँ काला हो गया क्या जी, पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हो गया, अभी भी काला दिख रहा है क्या, जला जला सब लाइट उठ जला दो, तो चलो जला दो, मैंने पता नहीं कैमरा में क्या क्या टिप टाप दिया जी, काला हो गया, हाँ आवाज़ हल्का भारी हो गया है सर, पता लाइट बंद हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक, देखो तो लाइट बढ़ा, हाँ देखो तो अब लाइट ठीक हो, ठीक 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 मस्त है, देखा सर देखो कहते हैं बच्चों कि बारी बारी से
बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो निगरानी कर रहे थे बच्चों बांध की, किसकी, बांध की निगरानी कर रहे थे, बांध की निगरानी कर रहे थे, आंसर आपका बांध की निगरानी होगा। अब देखो कैसा दिख रहा है गुरुजी, अरे 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 ज्यादा हो गया, लाइट उसको खोल दो, उसको खोल दो, ज्यादा हो गया वो वाला, ये वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 51 आता है कि लक्ष्मी दोनों, कहते हैं कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी दोनों ना दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी। पहले बच्चों लक्ष्मी जो है ना दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहां गई थी, तो बच्चों गुहाल में, कहां गई थी, गुहाल में, गुहाल में गई थी देखने के लिए कि बकरी उकड़ी का क्या हाल है। तो प्यारे बच्चों ये जब है ना कहते हैं कि दोनों लड़कियों और बेटे को सुलाकर के वो कहां गई थी, तो भाई गुहाल में गई थी, कहां गई थी बताओ, गुहाल में गई थी, याद रहेगा। यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या आता है कि घर पर दो लड़कियां, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आता है कि घर पर दो लड़कियां और साल भर का लड़के को ना लेकर कौन अकेली रहती है, कौन अकेली रहती है बताओ। कहते हैं कि घर पर दो लड़कियां और साल भर का एक लड़का लेकर कौन अकेले रहती है, तो उसका नाम है बच्चों साहसी, है ना, उसका नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है बच्चों, लक्ष्मी, कौन है, लक्ष्मी ये रहती है। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन साहसी थी बच्चों, कौन साहसी थी, साहसी भी पूछा जाए तो आंसर बोलना सर जी लक्ष्मी साहसी थी, आंसर बोलो लक्ष्मी साहसी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन पर खेती कौन करवाती थी। क्वेश्चन है बच्चों कि हल है ना, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी, तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कराने वाली औरत कौन थी, तो आंसर होगा गुरुजी लक्ष्मी थी, कौन थी, लक्ष्मी थी, आंसर आपका लक्ष्मी होगा। आप बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्या आपको इस पाठ के सारे क्वेश्चन याद हैं। प्यारे बच्चों एक बार यस और नो, एक बार यस और नो करें, क्या आपको इस पाठ के सारे क्वेश्चन याद हो गए, यस और नो जल्दी बताएं, है ना, जल्दी बताइए क्या आपको इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस याद हो गए, क्या आपको सारे क्वेश्चंस याद हैं। यस सर, अगर आप पूछोगे तो पूछ लो। चलो एक बार है ना, एक बार फिर से पूछते हैं, फिर से पूछते हैं, है ना, एक बार फिर से पूछते हैं बच्चों, क्या है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, लास्ट में पूछेंगे ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। आप बोलोगे सर सात कोरी होता, सात कोरी होता इसके लेखक हैं। मैं पूछूंगा बच्चों कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, आप बोलोगे सर इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। मैं पूछूंगा बच्चों कि सात कोरी होता का जन्म कहां हुआ था, आप कहोगे सर जी मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में, बोलिए मेरे साथ में, लाज शर्म मत कीजिए, है ना, मयूरभंज उड़ीसा में। कहते हैं कि इसकी मुख्य पात्रा कौन है, इसकी है ना, यह किस राज्य की कहानी है, यह किस राज्य की कहानी है, तो कहेंगे सर जी यह उड़ीसा की कहानी है, उड़ीसा की कहानी। अगर मैं पूछूं बच्चों कि यह बताओ ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो आप कहोगे सर उड़िया भाषा की कहानी है। मैं अगर पूछूंगा बच्चों कि इस कहानी के अनुवादक कौन है, इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो आप कहना राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके अनुवादक हैं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मैं पूछूंगा प्यारे बच्चों कि इस कहानी में किसकी विभीषिका को दर्शाया गया है, तो आप कहना बांध की विभीषिका को, किसको, सॉरी बाढ़ की विभीषिका को, बाढ़ की विभीषिका को दर्शाया गया है। कहते हैं लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो आप कहना बच्चों लक्ष्मण। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी, लक्ष्मी की कितनी संतानें थी, आप कहोगे चार, आप कहोगे चार। मैं पूछूंगा बच्चों कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, बड़े पुत्र का नाम, तो आप कहोगे सर इसके बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, बोलो मेरे साथ अच्युत नाम था। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों कि इसके गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, पढ़ाकू लड़का, आप बोलोगे सर गुणनिधि। मैं पूछूंगा गुणनिधि ने क्या बनाया था, कौन सा संगठन बनाया था, तो गुणनिधि ने एक संगठन बनाया था बच्चों, उसका नाम था स्वेच्छा दल, स्वेच्छा दल। मैं पूछूंगा लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, किसके यहाँ काम करती थी, तो आप कहना बच्चों तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ। अगर पूछा जाए आपसे कि है ना कि बाढ़ आने की खबर किसको देनी थी, बाढ़ आने की खबर, बाढ़ आने की खबर किसको देनी थी, आप बोलोगे सर सरपंच साहब को। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो आप कहोगे सर देवी बांध के नीचे था, देवी बांध का, किस बांध की है ना, देवी बांध के नीचे इसका घर था। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, मुझे लग रहा है सारा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, मुझे लग रहा है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ। यस यस, बहुत बढ़िया, तहसीलदार के यहाँ, ठीक है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। इसे कहते हैं रिवीजन, इसे कहते हैं रिवीजन, इसे कहते हैं है ना, इसे कहते हैं सर 180 की स्पीड में रिवीजन, 180 किलोमीटर पर सेकंड में रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आइए अगले चैप्टर में चलते हैं, दो चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, बधाई हो आप सभी को, कांग्रेट्स।
आप सभी को बधाई हो, चैप्टर दो कंप्लीट हुआ, चैप्टर टू कंप्लीट है ना प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रेट्स, आप सभी को बधाई हो, दो चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। तीसरे चैप्टर में चलते हैं, तीसरे चैप्टर में चलेंगे, इतना प्यारा चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही बहुत प्यारा है। चैप्टर का नाम है बच्चों माँ, माँ। मैं पूछूंगा माँ कैसी कहानी है, आप बोलोगे सर माँ गुजराती कहानी है। मैं पूछूंगा बच्चों इसके लेखक कौन है, आप बोलेंगे सर माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। इस कहानी के लेखक कौन है बच्चों बताओ, ईश्वर पेटलीकर हैं, पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर इसके है ना। अगर मैं पूछूं बच्चों कि इसके अनुवादक कौन है, इस कहानी के अनुवादक कौन है, आप बोलोगे सर माँ का प्यारा गोपाल यानी गोपाल सिंह नागर, माँ का प्यारा गोपाल यानी गोपाल सिंह नागर, गोपाल सिंह नागर इसके अनुवादक हैं। नागर आप बोलोगे सर जी, आप बोलोगे माँ कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, तो सर माँ कहानी की मुख्य पात्रा मंगू है सर, मंगू। अच्छा बताओ मंगू जन्म से ही क्या है, आप बोलेंगे मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। मैं पूछूंगा बच्चों कि मंगू की माँ की कितने संताने हैं, आप बोलोगे मंगू की माँ की चार संताने हैं। मैं पूछूंगा प्यारे बच्चों मंगू की माँ की भाई है ना, मतलब बेटे कितने हैं, दो बेटे और दो बेटी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, आप बोलोगे मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू है। मैं पूछूंगा बच्चों की माँ, माँ किसे अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, आप बोलोगे सर मंगू को, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। मंगू की उम्र कितनी है, तो बच्चों लगभग 13 वर्ष, अगहन के महीने में ये 13 वर्ष की होने वाली थी, तो लगभग 13 वर्ष इसकी उम्र कह सकते हो, ठीक है ना, 13 वर्ष इसकी उम्र है। कहते हैं बच्चों की माँ, माँ जो है वो अस्पताल को क्या समझती थी, माँ अस्पताल को क्या समझती थी, आप कहोगे सर माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी, गौशाला समझती थी। कहते हैं पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया, पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया, आंसर बोलेंगे माँ, माँ ने विरोध नहीं किया। माँ ने मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए किसे चिट्ठी लिखा, माँ मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए किसे चिट्ठी लिखा, आप बोलोगे सर बड़े बेटे को, किसको लिखा बताओ, बड़े बेटे को चिट्ठी लिखा। मैं पूछूंगा मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें हैं, मंगू के अलावे माँ की 3 संतानें हैं, क्योंकि मंगू को जोड़ देने से 4 संतानें होती हैं, 4 संतानें। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर कमू है ना। मैं पूछूंगा कि मंगू को किस गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया था, आप कहोगे सर जी किससे, घोड़ा गाड़ी से ना, घोड़ा या बैल बताना, घोड़ा गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया था। कहते मंगू की याद में कौन पागल हो गई, तो मंगू की याद में उसकी माँ पागल हो गई, माँ पागल हो गई थी मंगू की याद में, माँ पागल हो गई थी मंगू की याद में, है ना, सही है जी, बढ़ जाए आगे। यस यस, कौन सा गाड़ी से ले जाया गया था जल्दी बताओ, गुरु जी ने पढ़ाया था पर इतना पढ़ाते पढ़ाते कभी भूल भी जाते हैं, किस गाड़ी से ले जाया गया था जल्दी बताओ, सर बैलगाड़ी से ले जाया गया था, सर बैलगाड़ी से, चलो सर जी ठीक कर दो, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी नहीं सर, बैलगाड़ी से ले जाया गया था, बैलगाड़ी से। कहते हैं बच्चों माँ मंगू को अस्पताल छोड़कर कितने बजे आई थी, तो कहते हैं माँ वापस बच्चों पौने ग्यारह बजे वापस आई थी, माँ मंगू को अस्पताल छोड़कर पौने 11 बजे वापस आई थी। कहते हैं कि मंगू के गांव की मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली कौन सी लड़की पागल हो गई थी, तो मंगू के गांव की एक और लड़की थी जो पागल थी, उसका नाम था बच्चों कुसुम, क्या था, कुसुम था जो उसके गांव की थी जो पागल हो गई थी और वो ठीक होकर भी आ गई थी। कहते हैं माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था, तो माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था जल्दी बताओ, तो आंसर होगा बच्चों अगहन का महीना माँ के लिए क्या था, अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव था, क्योंकि यहाँ पर पंडित ने बोला था कि वह उस महीने में ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से करोगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि माँ कहानी के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 54 माँ कहानी के लेखक कौन है, तो आपको पता है ना कि माँ कहानी के लेखक कौन है, आप बोलोगे सर माँ तो ईश्वर होती है, यानी ईश्वर पेटलीकर, क्या होगा, ईश्वर पेटलीकर इसके लेखक हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं, क्वेश्चन है बच्चों ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं जल्दी बताओ, तो आप कहोगे सर जी ईश्वर पेटलीकर किसकी है, गुजराती भाषा के, आंसर होगा गुजराती भाषा के, क्या होगा आंसर बताओ, गुजराती भाषा के। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाइए, क्वेश्चन है बच्चों की माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, माँ कहानी ध्यान दीजिएगा, पहले मैं यहां देखता हूं कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, फिर है बच्चों की माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, यह भी क्वेश्चन का वही आंसर होगा जो ऊपर का था।
ये भी क्वेश्चन का आंसर वही होगा कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो मैं फिर कहूंगा प्यारे बच्चों कि माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। 57 में आता है कि माँ कहानी के अनुवादक कौन है, इस कहानी के अनुवादक कौन है, जल्दी बताओ माँ कहानी के अनुवादक कौन है। मैंने क्या बोला, माँ का प्यारा गोपाल है ना, तो प्यारे बच्चों गोपाल सिंह नागर क्या होगा, गोपाल सिंह नागर जो है वो इसके क्या है, अनुवादक है, गोपाल सिंह नागर इसके अनुवादक है। क्वेश्चन 58 आता है कि माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, माँ कहानी की जो प्रमुख मेन कैरेक्टर है बच्चों वो कौन है, माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। आप बोलोगे सर माँ कहानी की प्रमुख पात्रा मंगू है, मंगू इसकी प्रमुख पात्रा है। क्वेश्चन 59 में चलते हैं। मंगू जन्म से ही क्या थी बताओ, मंगू जन्म से ही थी, क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ए में पागल, ऑप्शन बी में गुंगी, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों कि मंगू जन्म से ही क्या थी, तो आप कहना कि पागल व गुंगी थी। ये जन्म से ही क्या थी, पागल व गुंगी। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। क्वेश्चन है कि मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, एक क्वेश्चन आप मिस्टेक नहीं कर सकते, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की थी, एक लड़की का नाम पता है इसमें दिया हो कि मंगू था और दूसरा का नाम कमो था, लेकिन यहां पर लड़के का नाम नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में ना 1 में आते हैं कि मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी, 10 नंबर लाना है, इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखो, पूरे अच्छे से 10 में 10 मिलेगा। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी, तो बच्चों मंगू के अलावे माँ की 3 संतानें थी। क्वेश्चन आता है हमारा कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मंगू की बड़ी बहन जो थी बच्चों उसका नाम क्या था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। सर जी कमो उसका नाम था, कमो, कई जगह पर बच्चों कम्मू रहता है, कम्मू है ना, तो अगर नहीं रहे कमो तो ये ऑप्शन चुनना, नहीं रहे तो। क्वेश्चन नंबर 63 आता है कि कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी, कौन, यहां गलती हो गया, मंगू होगा, मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी, जल्दी बताओ कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी, तो आंसर बच्चों माँ नहीं चाहती थी, है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, यानी माँ के लिए अस्पताल क्या था, माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी बताओ, माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। आप बोलोगे सर माँ अस्पताल को गौशाला कहती थी, माँ अस्पताल को गौशाला कहती थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 आता है हमारा कि मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम क्या था, मंगू के गांव की जो दूसरी एक पागल लड़की हो गई थी उसका नाम क्या था बताओ, मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम कुसुम था बच्चों, क्या था, कुसुम, मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम क्या था, कुसुम। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है, बढ़िया चल रहा सब कुछ, यस, क्या नाम था, कुसुम, पहले बच्चों कुसुम उसका नाम था। अगला क्वेश्चन आता है, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था बताओ, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो बच्चों नाम बोलो जल्दी से, किसने नहीं किया था, तो आंसर होगा माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, माँ ने, क्योंकि कुसुम ठीक होकर आई थी वहां से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तेरे बच्चों माँ के लिए आराध्य देव कौन सा महीना था, तो आप बोलेंगे सर अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव था। 68 नंबर क्वेश्चन आता है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी बताओ, मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी बच्चों, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी, छुटकारा क्या मानती थी, छुटकारा, क्या लिखना है, छुटकारा मानती थी। क्वेश्चन नंबर 69 आता है, काला पानी किस का लोकप्रिय उपन्यास है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो बच्चों काला पानी जो था ना वो किसका था, तो आप कह सकते हो कि है ना ईश्वर पेटलीकर का है ना एक उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ऐसा किसने बोला था जल्दी से, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन हमारा कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, ऐसा कहने वाले थे मेट्रेन जो थी उन्होंने बोला था कि अंदर देखने का किसी को रूल नहीं है, ठीक है ना, अंदर किसी को देखने का नहीं है, मेट्रेन
ट्रेन ने बोला था, डॉक्टर ने नहीं, मेट्रेन ने, मेट्रेन ने ऐसा बोला था बच्चों, ठीक है ना। यस यस डीजे सर जी, हाँ वो होता है, डॉक्टर ने नहीं मेट्रेन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र, है ना, पत्र लिखकर बुलाया था। माँ को भर्ती कराने के लिए, है ना, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था, ठीक है ना। तो आंसर है बच्चों कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था, तो बड़े बेटे को, क्या लिखना है, बड़े बेटे को, बड़े बेटे को, बड़े बेटे को लिखा था, बड़े बेटे को, किसे लिखा था, बड़े बेटे को, बड़े बेटे को। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन आता है कि माना कि मंगू कब से पागल थी। क्वेश्चन नंबर 72, मंगू कब से पागल थी बताओ, मंगू कब से पागल थी। तो आंसर है बच्चों कि मंगू जो थी नहीं, वो जन्म से पागल थी। कहां से थी, जन्म से। तो आंसर आता है कि मंगू जन्म से पागल थी, है ना, जन्म से ही पागल थी। क्वेश्चन आता है कि पागलों के, है ना, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज, जो ऐसे मरीज होते थे जो मारपीट करते थे, उसको कैसे रखते थे। आइए, क्वेश्चन है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखते थे। तो बच्चों, जो भी उपद्रवी मरीज होते थे, जो मारपीट करने वाले मरीज होते थे, कूदने वाले, उसको कमरे में बंद करके, कमरे में बंद करके, कमरे में बंद करके रखते थे, कमरे में बंद करके रखा जाता था। वैसे मरीज जो उपद्रवी होते थे, जो मारपीट करते थे, उसे कमरे में बंद करके रखते थे, कमरे में बंद करके। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, 74 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, यह क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है ना, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो बच्चों मजिस्ट्रेट का, है ना, मजिस्ट्रेट का, किसका, मजिस्ट्रेट, है ना, मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, देखना, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि माँ, है ना, माँ को कितनी पुत्रियां थी, माँ को कितनी पुत्रियां थी बताओ। 75 नंबर क्वेश्चन कि माँ को कितनी पुत्रियां थी। बच्चों, एक बच्चा बार बार डॉक्टर लिख रहा है, भाई साहब सब क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर नहीं होता है, नहीं होता है डॉक्टर। क्वेश्चन है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो माँ को टोटल दो पुत्रियां थी बच्चों। पहला का नाम क्या था, मंगू, पहला का नाम मंगू, इसकी एक बड़ी बहन थी, इसका नाम था कमो। तो बच्चों दो, है ना, दो थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ऐसा किसने बोला था, किसने बोला था अस्पताल में बच्चों कि रात को रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने बोला था, जल्दी बताओ। ये बात किसने बोला था कि रात को जलती रोशनी रहने से इसे नींद ही नहीं आती, ये बात कहा था माँ ने, माँ ने बोला था अगर रात में रोशनी जलती रहेगी तो इसे नींद नहीं आएगी, माँ ने ऐसा बोला था। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मंगू की याद में कौन पागल हो गई बताओ। मंगू की याद में घर आने के बाद जब माँ घर आई तो मंगू को याद करते करते माँ क्या हो गई। क्वेश्चन है कि मंगू की याद में कौन पागल हो गई, तो मंगू की याद में माँ पागल हो गई बच्चों, मंगू की याद में माँ क्या हो गई, पागल हो गई। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई थी। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई थी, घर वापस कब आई थी, टाइम बताओ। बच्चों घर वापस आई थी 10:45 बजे, 10:45 या लिख सकते हो 10:45, क्या लिखोगे, 10:45 बजे वापस आई थी, 10:45 बजे। क्वेश्चन 79 हमारा खत्म हो गया। अब बताओ क्या क्या इससे कोई क्वेश्चन आपका हुआ गलत, ना क्या पहले बच्चों, यहां पर हेड नर्स का नाम क्या था, यहां एक दो क्वेश्चन छूट रहा है, एक दो क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं बच्चों इसमें नहीं, अगला है ना, अगले में आता है ना, इसमें नहीं आता, सॉरी इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा अगले चैप्टर में देखेंगे। ये बताओ क्या सारा क्वेश्चन सही हुआ, एक अप्रोक्स बताओ कि 78 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, आपके कितने सही होंगे, 78 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, लगभग एक अप्रोक्स बताओ। यस यस बहुत बढ़िया गुरु जी, हमारा इतना हुआ, हमको एलर का कोई दूसरा फोन दो इसको चार्ज में लगा करके, जल्दी बोलिए कितना क्वेश्चन सही हुआ। यस यस गुरु जी, मेरा तो लगभग मान के चलो, अगर आपका आंसर 40 से कम क्वेश्चन अगर आपको याद है तो समझो आपका ये बहुत खराब है, अगर आपका आंसर 60 प्लस आ रहा है तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है बच्चों, गुड। हम कह सकते हैं अगर आपका आंसर 60 प्लस जा रहा है तो आपका गुड है बच्चों, 60 प्लस है तो गुड है, इससे कम है तो दिक्कत है, इससे कम है तो दिक्कत है। बढ़ जाए आगे,
यस गुरुजी, चैप्टर नंबर 4 चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम नगर है। कांग्रेस आप सभी को चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ बधाई हो। आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत बहुत बधाई हो। अब इसका नोट्स मिलेगा तो बहुत बेहतर तरीके से आप निकलवा लेना कांग्रेस बच्चों, या फिर कॉपी पर लिख लेना। आइए हम बताते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर 4 का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का 4 का नाम है नगर। ये बताओ चैप्टर 4 का नाम नगर है। पहले ये बताओ कि नगर बच्चों, नगर जो है ना ये किस भाषा की कहानी है? नगर किस भाषा की कहानी है जल्दी बताना लगा चार्ज में। नगर किस भाषा की कहानी है? तो आप बोलोगे सर नगर तमिल भाषा की कहानी है। तमिल भाषा की कहानी है। मैं पूछूंगा बच्चों कि नगर कहानी के लेखक कौन है? तो आप कहोगे सर सुजाता। सुजाता इसके लेखक है। मैं पूछूंगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आप बोलोगे सर सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंग राजन। एस रंग रंग राजन इसका वास्तविक नाम है। मैं पूछूंगा बच्चों कि है ना, मैं आपसे पूछूंगा इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक कौन है जल्दी बताओ? इस कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? आप बोलोगे के ए, है ना? आप बोलोगे के ए जमुना। के ए, है ना? के ए जमुना इसके अनुवादक हैं। के ए जमुना इसके अनुवादक हैं। मैं फिर पूछूंगा बच्चों ये बताओ कि नगर कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? आपने पढ़ा होगा नगर कहानी की मुख्य पात्रा पाप पाती। क्या नाम है? पाप पाती मुख्य पात्रा है। मैं पूछूंगा बच्चों की पाप पाती की अम्मा का नाम क्या है? पाप पाती की अम्मा बोलो या माँ का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर इसकी माँ का नाम है वल्ली अम्माल। क्या नाम है? वल्ली अम्माल इसका नाम है। अच्छा ये बताओ वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था बच्चों? मुन्ना डीप पट्टी इसके गांव का नाम है। मुन्ना डीप पट्टी इसके गांव का नाम है। मैं पूछूंगा बच्चों की पाप पाती किस रोग से ग्रसित थी? पाप पाती किस रोग से ग्रसित थी? आप बोलोगे सर उसको रोग हुआ था मेनिनजाइटिस। मैं पूछूंगा बच्चों पाप पाती को पहले दिन क्या हुआ था? आप बोलोगे सर पाप पाती को पहले दिन बुखार हुआ था। मेनिनजाइटिस होने में क्या होता है? तो बोलोगे सर मेनिनजाइटिस ऐसे तो दिमाग की बीमारी है बच्चों, लेकिन इसका जो लक्षण है वो तेज बुखार। मेनिनजाइटिस में क्या होता है? तेज बुखार होता है। गांव के डॉक्टर ने इसे मदुरई शहर इसे भेजा गया था इलाज करने के लिए। क्या इसके पिताजी जीवित थे? आप बोलोगे सर इनके पिताजी जीवित नहीं थे। मैं फिर पूछूंगा बच्चों कि है ना इसकी अम्मा का नाम क्या था? आप बोलोगे सर वल्ली अम्माल। मैं पूछूंगा जब वल्ली अम्माल को वल्ली अम्माल जब लाइन पर लगी थी अस्पताल में, जब वल्ली अम्माल लाइन पर लगी थी तो मन ही मन किसे कोस रही थी? तो बच्चों अपने मृत पति को मन ही मन कोस रही थी। मैं पूछूंगा बच्चों क्या नाम था इसका, पाप पाती को किस पर लेटाया गया था? तो पाप पाती को कहां लेटाया गया था? तो कहना स्ट्रेचर पर। यह क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आया था, याद करो, बोलो हाँ या ना। क्या यह क्वेश्चन आया था पाप पाती को कहां लेटाया गया था? स्ट्रेचर पर। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि कल सुबह वल्ली अम्माल को कल सुबह कितने बजे बुलाया गया था? आप बोलोगे सर कल सुबह साढ़े सात बजे वल्ली अम्माल को किस कमरे में भेजा गया था? आप बोलोगे सर कमरा नंबर 48। मैं पूछूंगा बच्चों कि वल्ली अम्माल वापस अपनी पुत्री को लेकर किस रंग के रिक्शे में गई? आप बोलोगे सर वापस अपनी पुत्री को पीले रिक्शे में ले गई। मैं पूछूंगा किसके कहने पर भी उस बच्ची का इलाज नहीं हो पाया? किसके कहने पर भी पाप पाती का इलाज नहीं हो पाया? तो आप कहोगे सर जी हेड, है ना, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पाप पाती का इलाज नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों कि पाप पाती के लिए वल्ली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो बच्चों वेदी स्वर्ण मंदिर में उसके लिए मन्नत मांगा गया था। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि वहां की हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा। क्या नाम था, है ना? हेड नर्स का नाम मिरांडा था। और है ना, और डॉक्टर बच्चों धनशेखर और चंद्रपाल थे वहां पर। कहते हैं बच्चों की है ना, बड़े डॉक्टर कहां से पढ़ के आए थे? आप कहोगे सर जी वह कहां से, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे। बताना था बच्चों, यार थोड़ा दिमाग से उतर गया कि ब्रिटेन से पढ़ के आए थे ना। बड़े डॉक्टर कहां से पढ़ के आए थे? ब्रिटेन से ना
हाँ विदेश से पढ़ के आए थे, ब्रिटेन से ना, ब्रिटेन से। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? यस यस, मिरांडा नाम था सर जी, धनशेखर चंद्रपाल डॉक्टर थे, है ना। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे जल्दी बताओ? यस यस गुरु जी, यस यस, सब्जेक्टिव कब मिलेगा बहुत जल्दी? विदेश से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, जर्मनी से नहीं। वेरी गुड। तो ये है इस चैप्टर में, यही चीज है इस चैप्टर में जो आपको बहुत बेहतरीन से पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन हो जाएगा? यस और नो, यस और नो। मेन है बच्चों इसका नोट्स देना, मेन है नोट्स देना। लेकिन लेकिन सब्जेक्टिव नोट्स इसका कब मिलेगा? दे चुके हैं, बोलो मिला है या नहीं मिला, यस और नो। जो लोग पेड क्लास में जुड़े हैं आपको पता है इसका सब्जेक्टिव नोट्स मिला है या नहीं, बताओ यस और नो। क्या इसका सब्जेक्टिव नोट्स मिल गया है? क्या इसका सब्जेक्टिव नोट्स मिल गया है? एक बार बोलो यस और नो, यस और नो। हिंदी का बच्चों सब्जेक्टिव नोट्स मिल चुका है, हिंदी का सब्जेक्टिव नोट्स मिल चुका है, बहुत पहले ही, बहुत पहले ही हिंदी का सब्जेक्टिव नोट्स मिल चुका है, यस और नो। सर आप टेस्ट है ना, आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं बहुत दिन से, मेरा टेलीग्राम पर क्विज नहीं होता है, मेरे टेलीग्राम पर क्विज होता ही नहीं है, मेरे टेलीग्राम पर। प्यारे बच्चों आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? टेलीग्राम पर क्विज नहीं होता है, टेलीग्राम पर क्विज चलता ही नहीं है, क्या हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं नया ग्रुप बना लूं? क्या आप चाहते हो न्यू ग्रुप बना लूं? मेरे प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, अगर है तो बताओ न्यू ग्रुप बना लूं, जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो यस और नो। अगर आप चाहते हो गुरुजी मैं नया ग्रुप बना लूं, तो मैं नया बना लूंगा, ठीक है ना। सर सब्जेक्टिव नहीं मिला है, मिल गया है, मिल गया है। हाँ सब्जेक्टिव मुझे 9 महीना पहले मिल गया, देखो बोला था मैंने ना, नहीं मिला तो मैं आज डाल दूंगा। अगर प्यारे बच्चों न्यू ग्रुप बना लूं तो जल्दी बोलो, न्यू ग्रुप बना करके मैं आपका टेलीग्राम कुछ ले लूंगा, 2-3 दिनों के अंदर ग्रुप आ जाएगा। चलो बात फाइनल हो गई, क्वेश्चन पर आते हैं। 2-3 दिनों के अंदर ग्रुप बन जाएगा, सब लोग ज्वाइन हो जाना, न्यू ग्रुप पर टेस्ट होगा। कहते हैं पहला क्वेश्चन है नगर कहानी के लेखक कौन है? भाई साहब नगर कहानी के जो नगर कहानी के जो लेखक है चलो नहीं मिला सर, मिल जाएगा। कहते हैं बच्चों की नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक हैं सुजाता। इसका वास्तविक नाम है बच्चों एस रंग राजन। क्या नाम है? एस रंग, एस रंग राजन इसका वास्तविक नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने आता है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। वास्तविक नाम है बच्चों एस रंग राजन, एस रंग राजन इनका वास्तविक नाम है, क्वेश्चन नंबर 82 में है ना, सॉरी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सुजाता नाम की लड़की है, नगर में 35 रुपए किलो तेल बेचती है, तेल बच्चों 35 रुपए किलो, 35 का मतलब है इनका जन्म 1935 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सुजाता का जन्म कहां हुआ था। भाई साहब देखो ध्यान से, सुजाता का जन्म हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? नगर तमिल है ना, तो प्यारे बच्चों तमिलनाडु में हुआ होगा, इनका जन्म तमिलनाडु में। सुजाता जो है ना ये तमिल कहानी लिखती है, तो इनका जन्म प्यारे बच्चों चेन्नई, कहां पर? चेन्नई में हुआ था। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर आता है हमारा कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। प्यारे बच्चों नगर कहानी के अनुवादक अगर आप देखेंगे, इस कहानी के अनुवादक कौन है जल्दी बताओ, है ना, नगर कहानी की। अच्छा इसके पहले वाला कहानी, हाँ के ए जमुना, कौन है? के ए जमुना इस कहानी के अनुवादक है बच्चों, के ए जमुना, के ए जमुना इस कहानी के अनुवादक है, बहुत ही प्यारा कहानी है। क्वेश्चन 84 आता है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी प्यारे बच्चों किस भाषा से अनुदित है? आप बोलोगे सर नगर कहानी में तमिल भाषा है ना, नगर कहानी में कौन सी है ना, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आप कहोगे सर जी नगर कहानी तमिल भाषा से है। कहां से? तमिल भाषा से है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। मैं प्यारे बच्चों कई बार पढ़ा चुका हूं वर्णिका, कई बार पढ़ा चुका हूं, आप यूट्यूब पर मारोगे वर्णिका कक्षा 10 तो सबसे पहले गुरु जी की वीडियोज मिलेगी, आप देख लेना। क्वेश्चन है कि किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं, तो बच्चों यह किसका है बताओ? सुजाता का, सुजाता का जो है 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी। जो पांड्य लोग होते थे, पांड्य है ना, पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मदुरई था। कौन था? मदुरई।
मदुरई उसकी दूसरी राजधानी थी, मदुरई। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी के मुख्य पात्रा कौन है। अभी मैंने तुरंत बताया था आपको कि नगर कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, जो मेन करेक्टर है वो कौन है, नगर कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। आप बोलेंगे सर इसका है ना, इसकी प्रमुख पात्रा है पाप पाती। कौन है प्रमुख पात्रा, कौन है बच्चों पाप पाती, इसकी प्रमुख पात्रा है पाप पाती। मैं पूछूंगा पाप पाती किस रोग से ग्रसित है, तो आप कहना सर जी मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित है पाप पाती। पाप पाती किसकी पुत्री है, तो आप कहना सर जी वल्ली अम्माल की, पाप पाती वल्ली अम्माल की पुत्री है, वल्ली अम्माल की पुत्री है, याद रहेगा आपको। यस सर नो। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि पाप पाती किसकी पुत्री है, तो आप कहना गुरु जी वल्ली अम्माल की, किसकी वल्ली, वल्ली अम्माल की पुत्री है। वल्ली अम्माल किसका नाम है, जेंट्स है या लेडीज है, पुरुष या है ना, पुरुष है या नारी बताना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वल्ली अम्माल जो है ना ना, ना पुरुष है। अगला क्वेश्चन आता है पाप पाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था, पाप पाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था। बच्चों पाप पाती को इलाज के लिए मदुरई शहर भेजा गया था, मदुरई, मदुरई शहर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 90 क्या आता है, क्वेश्चन है बच्चों की वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था, मुन्ना डीप पट्टी। क्या नाम था, मुन्ना डीप पट्टी, मुन्ना डीप, डीप पट्टी है ना, डीप पट्टी बच्चों, मुन्ना डीप, डीप पट्टी है ना, डीप पट्टी ऐसे कुछ नाम था गांव का, मुन्ना डीप पट्टी उनके गांव का नाम था। आपको ऑप्शन में मिलेगा, मार देना बच्चों कि मुन्ना डीप पट्टी उनके गांव का नाम था। 91 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि पाप पाती किस रोग से ग्रसित थी, जल्दी बताओ पाप पाती को कौन सा रोग था, तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस नामक रोग था बच्चों पाप पाती को, मेनिनजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर आता है किसके रहने है ना, किसके कहने पर भी पाप पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, किसके कहने पर भी पाप पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई बच्चों, किसके कहने पर। आप बोलोगे सर उसका नाम क्या था, बड़े डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के कहने पर, बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पाप पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि वहां के जो डॉक्टर थे बच्चों दूसरे वो घूस खोल ना घूस लेने वाले थे। क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया है ना, वल्ली अम्माल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया। आप बोलोगे सर वल्ली अम्माल को बेटी को लेकर बुलाया गया था सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे है ना, कहेंगे आंसर क्या, सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था, सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। क्वेश्चन है बच्चों कि वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था, तो वल्ली अम्माल को 48 नंबर है ना, 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पाप पाती को लेकर माँ, पाप पाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई, पाप पाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई, तो प्यारे बच्चों किस रंग के रिक्शे में वापस आई, तो कहते हैं पीले रंग के रिक्शे में, पीले रंग के रिक्शे में वापस आई, पीले रंग के रिक्शे में। क्वेश्चन हमारा 96 आता है कि पाप पाती के लिए, पाप पाती के लिए वल्ली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी, पाप पाती के लिए वल्ली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी। प्यारे बच्चों तो मंदिर का नाम है वेदीश्वरण मंदिर, वेदीश्वरण स्वर्ण मंदिर में मन्नत मांगी थी, वेदीश्वरण मंदिर में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो बच्चों कहते हैं सुजाता, किसकी रचना है सुजाता बोलो, या एस रंगराजन, एस रंगराजन की रचना है तुलनात्मक व्याकरण, शायद इस बार पूछा गया था। काला पानी आया था ना इस बार, हाँ काला पानी इस बार आया था बच्चों, काला पानी किसकी रचना है इस बार एग्जाम में पूछा गया था आपके स्कूल वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पहले दिन पाप पाती को क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट दिन, पहले ही दिन पाप पाती को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे सर पहले दिन पाप पाती को सिर्फ बुखार हुआ था। आंसर होगा गुरु है ना क्या होगा, बुखार, पहले दिन उसे बुखार हुआ था। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है पाप पाती किस पर लेटी हुई थी, आप बोलेंगे सर पाप पाती लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर, स्ट्रेचर होता है ना बच्चों को, हाँ स्ट्रेचर बच्चों, जब कोई आदमी अस्पताल जाता है तो उसके लिए स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर पहले आदमी को उसी पर लेटाया जाता है, स्ट्रेचर पर ही आदमी को लेटाया जाता है, स्ट्रेचर पर फिर उसको पहले बच्चों घरका करके ले जाया जाता है घरका के स्ट्रेचर पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आता है, चलिए कहते हैं कि पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी थी है ना, कहते हैं बच्चों कि पाप पाती जो थी वो बेहोश क्यों पड़ी थी है ना, पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी थी, आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, आप कहना गुरु जी तेज बुखार के कारण है ना, पाप पाती है ना बेहोश क्यों पड़ी थी, तो कहना तेज बुखार के कारण, तेज बुखार के कारण क्या थी, पाप पाती बेहोश पड़ी थी, तेज बुखार के कारण, ऑप्शन रहेगा बच्चों सर्दी के कारण, ऑप्शन रहेगा बुखार के कारण, आंसर मारना तेज बुखार के कारण,
तेज बुखार के कारण वह क्या थी। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पापपाती की उम्र कितनी थी। पर बच्चों पापपाती की भी उम्र अगर देखें तो ज्यादा नहीं थी, 12 वर्ष थी। पापपाती की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको मारना है, 12 वर्ष पक्का आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने बोला था कि मैं चाहता हूं, है ना, ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूं दैट की गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी इस लड़की को अभी भर्ती किया जाए, ऐसा किसने बोला था। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा था, जल्दी बोलो, ऐसा किसने बोला था। आप बोलोगे सर ऐसा कहने वाले थे बड़े डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने कहा था मैं चाहता हूं कि इसे अभी तुरंत भर्ती लिया जाए, यानी आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। आपने भी तुरंत देखा था कि नगर कहानी जो है वो किस भाषा से है, बताओ, तो कहेंगे गुरुजी तमिल भाषा से, तो आंसर होगा हमारा तमिल भाषा से नगर अनुदित है, क्योंकि नगर में तमिल भाषा है ना, तमिल भाषा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था। वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था, कहाँ के डॉक्टर ने, बताओ, तो वल्ली अम्माल को कहाँ के डॉक्टर ने बोला था इसे मदुरई ले जाओ, तो उसके गांव के डॉक्टर ने, क्या होगा आंसर, आंसर होगा गांव के डॉक्टर ने, उसके गांव के डॉक्टर ने, गांव का शहर का है ना, तो गांव के डॉक्टर ने कहा था कि इसे लेकर जाइए मदुरई शहर, गांव के डॉक्टर ने बोला था, किसने बोला था, तो गांव के डॉक्टर ने बोला था कि इसे शहर लेकर के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वल्ली अम्माल, वल्ली अम्माल जो थी, वल्ली अम्माल, अम्माल, अम्माल जो थी वो लाइन में खड़े होकर अपने मृत पति को कोस रही थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है, खत्म हो गया, 105 में आपका क्या स्कोर रहा होगा अप्रोक्स, अब लगाइए, लास्ट बचा है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्यारे बच्चों, चौथा नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब लास्ट चैप्टर आपका बचा है पांचवा नंबर चैप्टर। गुरुजी साइंस का भी ऑब्जेक्टिव दीजिए, अब तुम सोए थे क्या जी, जब सब कुछ हो जाता है तब आके कमेंट करते हो, साइंस का पूरा हो चुका है, यही ना है कि आप लास्ट में जुड़ते हैं और आकर के कहते हैं सर साइंस नहीं हुआ, सर हिंदी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब हुआ है बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तब तो आप गुरु जी को बार बार कहोगे सर आप ही की गलती है, मेरी गलती है हम समझते हैं, पर सिर्फ मेरी गलती है ये नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना, आप जब आओगे तब बोलोगे सर ये नहीं पढ़ाइएगा। देखियो मैं ना एक बात बताता हूँ, एक सेकेंड, क्लास में जब कभी लेट होता है ना, 5 मिनट लेट हो जाता है कभी कभी, सॉरी, है ना, तो बच्चे जिसके पास नंबर होता है ना वो क्या बोलता है, देखो अभी देखें अभी हम सनी सर को कॉल कर देंगे, तुरंत कॉल कर देंगे, और यही बात अपना दोस्त को बोलता है, एकदम तुरंत लगा देता है, लगा हेलो, हाँ सर क्लास नहीं होगा क्या, बोल दिए 5 मिनट लेट होगा, सर कितना लेट करते हैं अब बताओ जी, आपके पास नंबर है कृपया इसका दुरुपयोग ना करें, एकदम सदुपयोग करें, फोन लगा दिया हेलो, हाँ फोन लग गया, तो बोलते हैं काहे फोन किए हैं, बोला सर लगा के देख रहे हैं लगता है कि नहीं बताइए, तो कृपया ये सब चीज ना बोलें, लगा कर देखते हैं लगता है कि नहीं, इसके लिए नंबर नहीं दिया गया है कॉल तो 100% लगेगा ही, कॉल जो है ना वो 100% लगेगा ही, पर आप लगा के बोलते हो लगता है कि नहीं, ठीक है, और कई बार है ना, कई बार क्या होती है एक ना, खास करके लड़कियां जो होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां अक्सर जो होती हैं हम देखते हैं जो ना आज जैसे ग्रुप में जुड़ने के लिए पेमेंट करेगी, तुरंत उनको नोट्स चाहिए, एकदम दो मतलब 2 मिनट भी लेट नहीं हो सकता, आप कहते बाबू आज शाम को मिल जाएगा, तो शाम को अगर बोल देंगे फिर भी 3 बार मैसेज आएगा, 4 बार आएगा, सर हमको नोट्स नहीं दिए आप, अरे नोट्स मिलेगा बाबू, हम नोट्स अपने लिए नहीं बनाए हैं, हम आपके लिए बनाए हैं, है ना, आपको हो रही सुविधा असुविधा के लिए हमें थोड़ी सी खेद है, पर हम आपके लिए काम करते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, अनावश्यक कॉल मैसेजेज ना करें, आपको जरूरी है तब मैसेज करें, ठीक है ना, फोन करके बोलेंगे कि सर ई नहीं पढ़ाइएगा, अब हमको कल कॉल करके एक बच्चा कह रहा है कि सर वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाइएगा, अब बताइए ये वास्तविक संख्या यूट्यूब पर कितना पता है हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, अब यही चीज है ना कि आप लोग पूछते हैं। आइए चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, कुछ कुछ हंसी वाली बातें हो गई और आप लोग थोड़ा हंस भी लिए, बड़ा मजा आया होगा आप सभी को, चलिए ज्यादा हम इस सब बात करते नहीं है आज कर लिए, चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, चैप्टर नंबर 5 है बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, सबसे पहली बात है बच्चों कि यह किस भाषा के हैं, तो बोलेंगे सर धरती घूमेगी तो हम राज करेंगे, राज मतलब राजस्थानी भाषा,
यही याद रखना, जो हम बोले यही आपको बोलना है कि धरती घूमेगी तो हम राज करेंगे, मतलब राजस्थानी भाषा। और प्यारे बच्चों जब घूमेगी तो सब बोलेंगे दैया रे दैया, यानी कि सावर दैया। क्या होगा? सावर दैया बच्चों, क्या होगा? सावर दैया। इसके लेखक कौन है? तो सावर दैया, सावर दैया। ऐसे सर आप ये याद कैसे रखे सावर दैया होगा? तो बच्चों हमने याद रखा है कि जब धरती घूमेगी कब तक, तो साल भर, 100 से साल, 100 से सावर दैया। और जब घूमेगी तो हम राज करेंगे, मतलब राजस्थानी। और पूछा जाए बच्चों कि सावर दैया का जन्म कब हुआ था, सावर दैया का जन्म, तो प्यारे बच्चों 1883 में, 1883 में। एक बार देख लेना सही है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं कि सावर दैया का जन्म, प्यारे बच्चों, हाँ सावर दैया का जन्म 1883 में हुआ था या नहीं हुआ था, है ना? तो दिया है बच्चों 1983, जो कि गढ़ना 1983 में, तो नया आदमी है जी, किताब में 1983 दिया है, इसका मतलब एकदम नया नया है ना, है ना? तो 1983 सही लग रहा है? नहीं नहीं, इसका जन्म नहीं दिया, इसका मतलब नहीं दिया है ना। सावर दैया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, उनकी कहानी में राजस्थानी गहराई होता है, प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य इतना इतना से यह सांभर संकलित है। नहीं नहीं बच्चों, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है इसमें, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, वो तो दूसरा कुछ दिया है, नो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना। शायद इनका जन्म हमने ना इंटरनेट पर देखा था, 1883 इंटरनेट पर शायद देखा था, इसको देखना पड़ेगा जन्म के बारे में। कहते हैं इसके अनुवादक कौन है, इसके अनुवादक कौन है बच्चों? तो जब 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 धरती घूमेगी तो कोई अनुवादक मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कोई अनुवादक नहीं है इसका, ये खुद ही अनुवाद किए हैं, तो है ना, तो इसके है ना, तो इसके अनुवादक भी यही है, अनुवादक भी सावर दैया, दैया रे दैया, सावर दैया। तो पहले बच्चों सावर दैया इसके अनुवादक हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसकी मुख्य पात्रा कौन है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी प्रमुख पात्रा कौन है, तो आप कहना बच्चों सीता, सीता इसकी प्रमुख पात्रा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा पहले बच्चों सीता के कितने पुत्र हैं, सीता के कितने पुत्र हैं, तो आप कहना प्यारे बच्चों 3 पुत्र हैं। सीता के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। अब जल्दी से बता दो सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, तो आप कहोगे सर सबसे बड़े बेटे का नाम था कैलाश। कैलाश की पत्नी कौन थी सर, तो कैलाश की पत्नी थी सर राधा। दूसरा मैं पूछूंगा इसके दूसरे बेटे का नाम क्या था, तो कैलाश के बाद जो दूसरा बेटा था उसका नाम क्या था जल्दी बताइए, तो उसका नाम था बच्चों नारायण, नारायण, नारायण क्या था, नारायण। इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो भवड़ी, क्या था, भवड़ी। और तीसरा आता है बच्चों, है ना, तीसरा आता है बिरजू, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था, क्या था, पुष्पा, है ना, पुष्पा, ठीक है बच्चों। तो ये 3 बेटे थे और इसकी 3 बहुएं थी, 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी, कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भवड़ी, बिरजू की पत्नी कौन था, पुष्पा, बिरजू की पत्नी कौन थी, पुष्पा, सही है ना, देख लो, हाँ ठीक है ना, भवड़ी, नारायण की कौन थी, भवड़ी, सही है ना, जैसे नारायण की भवड़ी थी और बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों अगला, है ना, अगला देखते हैं कि कौन रुआसी हो गई थी, है ना, कौन रुआसी मतलब रोने लायक हो गई थी, रुआसी कौन हो गई थी, तो आंसर होगा सीता, सीता रुआसी हो गई थी। मैं पूछूं बच्चों सीता क्यों रुआसी हो गई थी, क्यों रुआसी हो गई थी, तो आंसर कहना बच्चों काला ओढ़ना देखकर, क्या कहना बताओ, अपना काला, अपना काला ओढ़ना, अपना काला ओढ़ना देखकर वह रुआसी हो गई थी, है ना। किसे लगा था कि आकाश अनंत नहीं है, किसे लगा बच्चों कि आकाश अनंत नहीं है, बताओ, तो किसे लगा था आकाश अनंत नहीं है, तो आंसर कहना सीता को, सीता को लगा था कि आकाश अनंत नहीं है। एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, घर छोड़कर, तो प्यारे बच्चों याद रखना घर छोड़कर सीता चले गई। क्वेश्चन आता है हमारा, है ना, सीता ना घर छोड़कर चले गई, क्वेश्चन आता है कि 3 बेटे 3 बहू, 3 बेटे, 3 बहू, 3 बहू और अनेक पोते पोतियों की दादी कौन थी, और अनेक पोते पोतियों की दादी कौन थी, तो कहना प्यारे बच्चों सीता थी। कौन थी, सीता। कहते हैं कि सीता के लिए, है ना, सीता के लिए बेटे ने कौन सा नियम बनाया था, सीता के लिए बेटों ने कौन सा नियम बनाया था, तो आंसर होगा बच्चों कि माँ एक एक महीना सबके यहाँ खाएगी। नियम क्या था कि माँ एक एक महीना, एक एक महीना सबके यहाँ खाएगी। फिर प्यारे बच्चों बेटों ने फिर ये नियम चेंज कर दिया, फिर बेटों ने कौन सा नियम बनाया कि ना माँ को कितना रुपए देने की बात हुई, बताओ बेटों ने माँ को कितना कितना रुपए देने की बात की, तो आंसर है बच्चों 50-50 रुपए की, 50-50 रुपए देंगे और माँ अपना खाना अकेला बनाकर खाएगी, सॉरी अकेली बनाकर खाएगी, ठीक है ना। तो फिर बना क्या बच्चों, कितना नियम, 50-50 रुपए देने का। अगर पूछा जाए बच्चों 3 बेटे, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 बेटे, क्वेश्चन आ जाए 3 बेटे 2 रोटी,
तीन बेटे दो रोटी एक माँ, और एक माँ वाली कहानी कौन सी है, और एक माँ वाली कहानी कौन सी है। तो प्यारे बच्चों आंसर बताओ कि तीन बेटे दो रोटी और एक माँ वाली कहानी कौन सी है। तो आप कहना गुरुजी धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यही उसकी कहानी है। और मेरे ख्याल से आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया। उसकी बहू का नाम था भवड़ी। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि माँ के लिए रसमलाई किसने बनाया था, माँ के लिए रसमलाई किसने बनाया था, तो बच्चों माँ को रसमलाई खिलाई थी भवड़ी ने। भवड़ी ने अगर पूछा जाए माँ को दाल का हलवा किसने दिया था, दाल का हलवा, दाल का हलवा किसने दिया था, तो कहना गुरुजी राधा ने। किसने? राधा ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि माँ को किस दिन लापसी फीकी लगी थी, माँ को किस दिन लापसी खाने में फीकी लगी थी, लापसी खाने में फीकी लगी थी, कहना गुरुजी नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन माँ को, सिंह वाले दिन माँ को लापसी खाने में बिल्कुल फीकी लगी थी। ठीक है ना। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला सब आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो क्या आप तैयार हैं? बोलो यस और नो। क्या प्यारे बच्चों आप तैयार हैं क्या आपको क्वेश्चन दिया जाए? यस और नो जल्दी बताएं। ये सर सारा क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन फटाफट से बनेगा। सर जी आप अपने फैमिली, अरे बच्चों कई बार हम लोग फैमिली से मिल चुके हैं और एक बार मिलेंगे, एक बार हम लोग फिर से मिलेंगे जब हमारा क्या होगा जल्दी बताओ। एक दिन हम लोग फिर से मिलेंगे फैमिली से, हम लोग फिर से मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फैमिली से प्यारे बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। शुरू किया जाए जल्दी बताओ, यस और नो स्टार्ट किया जाए। हाँ आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है, धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक प्यारे बच्चों कौन है। तो आंसर आता है सावरदैया, सावरदैया जो है इस पाठ के लेखक हैं, धरती कब तक घूमेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन है बच्चों धरती कब तक घूमेगी, यह किस भाषा से अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी बच्चों, जब घूमेगी तो हम राज करेंगे, अर्थात यह राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकारक हैं, सावरदैया जो है वो किस भाषा के सफल कहानीकारक हैं। आप बोलेंगे सर सावरदैया जो है वो राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। पहले बच्चों मैंने क्या बोला था कि जब धरती घूम रही थी तो कोई अनुवादक नहीं मिला था, इसका ट्रिक मैंने बताया था कि धरती कब तक घूमेगी इसमें अनुवादक कोई नहीं है, तो इसके अनुवादक पहले बच्चों सावरदैया ही होंगे, सावरदैया ही इसके अनुवादक होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि धरती कब तक घूमेगी इस, है ना, इस बात की मुख्य पात्रा कौन है, सॉरी बच्चों इस बात की नहीं होगा, इस कहानी की, इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, इसे मैं सही कर दूंगा, इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में एक बूढ़ी औरत सीता के बारे में बताया गया है, तो इसकी जो मुख्य पात्रा वही सीता होगी बच्चों। तो आंसर होगा सीता, क्या होगा सीता। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, क्वेश्चन है कि सीता के कितने पुत्र थे, जल्दी से बता दीजिए कि सीता के कितने पुत्र थे। आप कहेंगे सर सीता के कुल तीन पुत्र थे, सीता के तीन पुत्र थे, बोलो कौन कौन सा। तो पहला का नाम था नारायण और दूसरा का नाम था बच्चों, पहला का नाम था क्या नारायण, सबसे पहला था कैलाश, क्या नाम था, पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम था नारायण और तीसरा का नाम था बिरजू, क्या था बिरजू, ठीक है ना, सबसे छोटा बिरजू था, है ना, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता था। अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था। आप आराम से बता सकते हो कि सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, क्या था, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, तो सबसे छोटे लड़के का नाम बिरजू था, सबसे छोटे जो लड़के थे उनका नाम क्या था प्यारे बच्चों, बिरजू उनका नाम था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रू आसी हो गई थी, कौन अपना काला ओढ़ना देख करके रोने जैसा मूड बना लिया था, आप कह सकते हो रू आसी हो गई थी, तो काला ओढ़ना देखकर प्यारे बच्चों सीता रू आसी हो गई थी, सीता। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है, किसे महसूस होने लगा था बच्चों कि आकाश अनंत नहीं है, आप बोलोगे सीता को, सीता को महसूस हो गया था कि आकाश अनंत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने माहवारी खर्च के, है ना, खर्च देने का निर्णय लिया था, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, बताओ सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था।
आप कहोगे सर ₹50, कितना ₹50 देने का उन्होंने निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, किस दिन सीता को लगा था कि लापसी बिल्कुल फीकी है, आप कहना गुरुजी नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन सीता को ऐसा लगा कि बिल्कुल लापसी फीकी है। अगला क्वेश्चन है कि सीता रुआसी क्यों हो गई थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाएगा कि सीता रुआसी क्यों हो गई थी, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप कहना गुरुजी सीता रुआसी हो गई थी अपना काला ओढ़ना देखकर, आंसर बोलो अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर वह रुआसी हो गए थे ना, ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर क्या हो गई थी, रुआसी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है, क्वेश्चन है बच्चों की तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, आप बोलोगे सर ये कहानी की पंक्ति की बात करते हैं, यह है बच्चों धरती कब तक घूमेगी, क्या है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी इसकी यह बातें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की तीन बेटे की माँ कौन है, क्वेश्चन है तीन बेटे की माँ कौन है, तो प्यारे बच्चों तीन बेटे की माँ तो एक ही है, उसका नाम है बच्चों सीता, क्या नाम है सीता, सीता जो है ना वो तीन बेटे की माँ है, सीता तीन बेटे की माँ है। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए यह कैसी कहानी है, धार्मिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, कौन सी कहानी है, तो आप कहना प्यारे बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी यह एक सामाजिक कहानी है, यह एक सामाजिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, यही आपको बोलना है कि गुरुजी यह एक सामाजिक कहानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है कि एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, तो प्यारे बच्चों शायद ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं अभी तीन क्वेश्चन और हैं, एक दिन घर छोड़कर कौन चले गई, तो प्यारे बच्चों सीता, सीता एक दिन घर छोड़कर चले गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है सीता को रसमलाई किसने खिलाया था, बताओ सीता के लिए रसमलाई, सीता को रसमलाई किसने खिलाया था, पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, तो कहना गुरुजी भवरी ने, भवरी ने सीता को रसमलाई खिलाया था, भवरी ने, भवरी ने। अगला क्वेश्चन आता है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, है ना बच्चों, क्या बोला कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था, किसने बोला था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, तो बच्चों सबसे बड़े बेटे ने, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, कैलाश, कैलाश ने ऐसा बोला था कि यह बात अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे, सबसे पहला जो इसका बेटा था कैलाश ने ऐसा बोला था। चलिए अंतिम क्वेश्चन होगा बच्चों कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, घना भर आई, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, जल्दी बताओ किसने आकाश की ओर देखा, प्यारे बच्चों भर आई आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखने वाली कौन थी, तो आंसर है प्यारे बच्चों सीता, सीता ही थी जो भर आई आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखा था। आप मुझे बताएं आपका स्कोर कितना रहा, 125 क्वेश्चंस खत्म हुए और प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और क्वेश्चंस ऐड होंगे, लगभग इसमें मैं आपको बताता हूं जो आपको भी नोट्स मिलेगा 2 घंटे बाद, जो आपको नोट्स मिलेगा प्यारे बच्चों उसमें क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 125 में से और लगभग इसमें 20 क्वेश्चंस कम से कम ऐड होंगे, अप्रोक्स प्यारे बच्चों 145 या 150 क्वेश्चंस का आपका नोट्स होगा, 150 क्वेश्चंस का आपका नोट्स होगा, और प्यारे बच्चों ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ये कंप्लीट मिलेगा, घंटे के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा। और मेरा लक्ष्य क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था प्यारे बच्चों, मेरा लक्ष्य ये था कि आपको एक प्रॉपर नोट्स मैं दे दूं, है ना, मैं वर्णिका का एक प्रॉपर नोट्स दे दूं, मैं पहले भी एक वर्णिका दे चुका हूं, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं फिर से डाल दूंगा, ठीक है ना, मैं चाहता था प्यारे बच्चों वर्णिका के ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए, वर्णिका का एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए, प्रॉपर नोट्स मिल जाए, ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाए और अभी मिल जाएगा आज, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों 4 पेज का होगा, 4 से 5 पेज का, आप उसको लिख लेना कॉपी में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी मैंने निकालवा लिया, प्यारे बच्चों अक्सर बच्चे निकालते ही हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर आपको लगता है कि फीस ज्यादा लग रहा है निकालने में तो प्लीज 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 आप मत निकालना बच्चों, लिख लेना, आपकी हैंडराइटिंग भी बैठ जाएगी, कॉपी पर लिख लेना, कॉपी पर लिख लेना, ठीक है आप, है ना। चलिए आज कुछ बात करते हैं बच्चों, अगले 15 मिनट तक आप लोगों से बातें होंगी, 15 मिनट हम आपसे बात करने वाले हैं,
15 मिनट, लगभग 10 से 15 मिनट बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे अपने दुख दर्द हैं जो आप सुनाना चाहते हैं। 10 से 15 मिनट बात बच्चों, 15 मिनट बात। चलिए वार्ता पर आइए, अपने अपने बारे में बताइए वार्ता। और दूसरी बात है पहले बच्चों क्या, कि आप लोग जो लोग अभी नोट्स के लिए कहते हैं ना गुरु जी नोट्स कैसे मिलेगा, तो नोट्स के लिए 7700879453 इस पर आप कॉल करेंगे, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, बार बार फीस जमा नहीं करना, एक बार फीस लेते हैं ठीक है ना, एक बार फीस देना पहले बच्चों, आप इसे गुरु दक्षिणा कहिए या फी कहिए, कुछ भी कहिए, फी है पहले बच्चों, 251 रुपये फीस है। अभी से लेकर एग्जाम तक जो भी हम नोट्स देंगे सब इसी में मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। आइए कुछ बातें करते हैं, आपसे जानते हैं आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या आप कहना चाहते हैं, ठीक है आइए शुरू करते हैं, फटाफट से कहना शुरू कीजिए, अपनी बातें सुनाइए मुझे, क्या आपका कहना है जी, सुने जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत सारा चीज़ रहता है ना। अब ये बताओ क्या लग रहा है कि वर्णिका से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, यस और नो, आपको क्या लग रहा है कि वर्णिका के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए अब पहला सवाल आया तो सवाल को भी सुनो जरा। चलिए सर जी कल हिस्ट्री लाइएगा, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं बहुत ही जल्दी आपका हिस्ट्री हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम उसके लिए लगे हैं। कल तो हिंदी का जो पार्ट बचा है पहले हिंदी कंप्लीट कराने दो, ठीक है। हिंदी की और दो क्लासेस होंगी, कितनी क्लासेस होंगी, दो। पहली क्लास में पहले बच्चों, पहली क्लास में हम लोग पूरा हिंदी की दो क्लासेस होंगी, पहली क्लास में हम लोग गदखंड करेंगे, 12 चैप्टर है उसमें, पहली क्लास में पहले बच्चों 12 चैप्टर है गदखंड का, तो पहला हमारा गदखंड बचा है उसको मैं करवा देता हूँ। गदखंड करा देने के बाद बच्चों इसी का काव्यखंड बचा है, काव्यखंड करा देता हूँ, और उसके बाद प्यारे बच्चों व्याकरण बचा है, व्याकरण तो हो सकता है दो या तो तीन, दो या तो तीन पाठ में हमें लाना पड़ेगा, लेकिन ला करके मैं ये खत्म कर दूंगा दो पार्ट में, इसको मिला करके मैं दो पार्ट में खत्म कर दूंगा, टू पार्ट्स और आएंगे प्यारे बच्चों, टू पार्ट्स में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। सारा नोट्स मिल जाएगा गदखंड का, काव्यखंड का, और आपके व्याकरण का भी नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों संस्कृत का बुक जो बचा है, पहले बुक संस्कृत का खत्म करूंगा, उसके बाद प्यारे बच्चों व्याकरण खत्म करूंगा, व्याकरण खत्म करने के बाद उसके बाद है ना, उसके बाद बुक का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, उसके बाद व्याकरण का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसी बीच में हम एसएसटी का जो बचा है उसका भी हम खत्म खेल कर देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। पूछिए क्वेश्चन है सर जी आपका टेंथ में कुल कितना मार्क्स आया था, एक सही समय आने पर, प्रॉपर समय आने पर मैं आपको अपना मार्क्सशीट तक दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है गुरु जी मेरे आपकी शादी हो गई है क्या, बिल्कुल भी नहीं हुई है, और प्यारे बच्चों ऐसा अभी कोई प्लानिंग भी नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा एज नहीं है। अगर आप बात करते हो प्यारे बच्चों मेरे एज की, तो 23 इयर्स हमारा एज हुआ है अभी, 23 इयर्स, तो आई थिंक ये एज एक पढ़ने वाले के लिए जिसे ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ करना है उसके लिए ये कोई ज़्यादा एज नहीं हुआ है। आप लोग को क्या लगता है आप लोग बताना प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा एज नहीं हुआ है, तो अभी हमें रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद भविष्य के लिए मुझे और टाइम देना चाहिए। और कुछ पूछो, चलिए और प्यारे बच्चों पूछो फटाफट से। गुरुजी संस्कृत का प्लेलिस्ट हट गया है, प्लीज़ डाल दीजिए, हम बिल्कुल संस्कृत का प्लेलिस्ट डाल देंगे, अगर हट गया होगा तो संस्कृत का प्लेलिस्ट डाल देंगे, और संस्कृत की वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएगी। क्वेश्चन पूछिए, सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए गुरुजी, इसका सब्जेक्टिव भी हो चुका है कई बार, फिर से भी अगर देखना चाहते हैं तो आप एक बार सर्च करके देखिए, मेरी हर वीडियो की सब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है काश आप मेरे प्राइवेट टीचर होते तो मैं भी टॉप करता। बिल्कुल प्यारे बच्चों प्राइवेट टीचर की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से मैं पढ़ रहे हैं आपको, जितना भी मैं कोशिश करता हूँ, देखो कोई भी स्टूडेंट टीचर की वजह से टॉप नहीं करता, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट प्यारे बच्चों सिर्फ टीचर की वजह से टॉप नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर्स की वजह से आप टॉप नहीं कर सकते, इसके पीछे बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। किसी भी टॉपर का आप देख लीजिए, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा होता है हार्ड वर्क प्यारे बच्चों, और साथ में स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। अगर आप सच में पढ़ने लायक हैं, सच में पढ़ने में उस टाइप के स्टूडेंट हैं, तो आप कर जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क अगर आप करते हैं, बहुत मेहनती इंसान है, तो आप कर जाओगे। सिर्फ हर चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड, एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, हर चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होता, आप ये पढ़ा दो सर, आप वो पढ़ा दो, खुद से भी आप कोशिश करो। फिर मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। आज आपने मैथ की किसने बच्चों ना क्या किसने मैथ की क्लास लाई थी बताओ बच्चों, सुबह प्यारे बच्चों मैथ की क्लास हुई थी, 10 पॉइंट हमने 10वां अध्याय शुरू किया था, 10वां अध्याय का पार्ट 1 आज मैंने कराया, कितने बच्चों ने देखा बताओ, लगभग 15,000 व्यूज हैं उस वीडियो पर, 15,000 बच्चों ने देखा है ना पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आ जाएगा, 10 का जो पार्ट 2 आ जाएगा कल प्यारे बच्चों, और पार्ट 2 हमारा यानी कल खत्म होने वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी चैप्टर बचा रचना बच्चों, रचना से 5 नंबर आता है,
पांच अंक रचना से आता है जिसको हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी कवर जरूर कर लेना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? और कोई क्वेश्चन है बच्चों? सर मैथ का मॉडल सेट दीजिए। हाँ मैथ का मॉडल सेट देते हैं, मॉडल सेट लाते हैं जल्दी जल्दी। हाँ आप पूछो सर जी, आप मैथ का सब्जेक्टिव के साथ कीजिएगा। सर जी मैथ का सब्जेक्ट के साथ कीजिए। अच्छा मैथ का सब्जेक्टिव, अच्छा ठीक है सर। आपका सर आपके भाई नहीं यहाँ? बिल्कुल भाई हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है सारे नोट्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव में 200 नंबर ला है ना, आ जाएगा। बिल्कुल 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 प्यारे बच्चों, 200 नंबर क्यों नहीं आएगा, 100%। देखो नोट्स से किस में नहीं आएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए किस में। आप कहोगे सर साइंस का क्वेश्चन आपके नोट्स से कितना आएगा? प्यारे बच्चों मैं कहूंगा साइंस का नोट्स 40 में 40 नोट्स से आएगा। नोट्स से क्या, आप कहीं से पढ़ोगे तो आएगा ही आएगा। एसएसटी सर गुरुजी कितना आएगा? एसएसटी में 40/40 हमारे नोट्स से आएगा। आप बोलोगे सर आपका नोट्स हिंदी में कितना आएगा? मैं कहूंगा बच्चों हिंदी में आपका नोट्स कम से कम 50 में से 45 आपको नोट्स से मिल जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी संस्कृत के ना, संस्कृत में कितना क्वेश्चन आएगा? संस्कृत में कहूंगा 50 में से 45 का मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों। अब आगे पूछोगे मुझसे सर मैथ्स में कितने आएंगे, मैं मैथ्स में कहूंगा बच्चों डिजिट चेंज होगा। सेम क्वेश्चन मैथ्स में कितने आएंगे गुरुजी? 50 क्वेश्चंस में से मैथ में मैं कहूंगा 40+, क्योंकि उसमें डिजिट चेंज होता है, डिजिट चेंज हो जाता है बच्चों, डिजिट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आप ये क्या बोलोगे 225+ प्यारे बच्चों ला चुके हैं ऑफलाइन के स्टूडेंट। 230 में से पिछले बार 3-4 ऐसे बच्चे थे जो कि 220 और प्लस एक बच्चा ऐसा था जिन्होंने 225+ भी लाया था। तो आप इतने नंबर ला सकते हो ऑब्जेक्टिव से, आप सोचो इतने नंबर ला सकते हो ऑब्जेक्टिव से, आप इसको कम क्यों आंक रहे हो कम। सर जी मैं आपसे मिलने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं बच्चों, मुझसे मिलना हो अभी तो आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद मैं एक है ना, मैं एक बात प्यारे बच्चों सोच रहा था कहीं पर मैं खुद आने के बारे में सोच रहा था, जहां पर 2-4 जिले के बच्चे आ सके वहां मैं खुद जाने के बारे में सोच रहा हूं। आपकी क्या राय है बच्चों, परीक्षा से पहले ऐसा होना चाहिए या फिर परीक्षा के बाद, बताना मुझे। अगर ऐसी हो तो मैंने 2-3 जिला चुना था बच्चों। पहला प्यारे बच्चों मैंने सोचा था नंबर एक पूर्णिया जिला, पूर्णिया में मैं अगर आऊं तो कितने जिले के बच्चे आ सकते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों समस्तीपुर है ना, दूसरा समस्तीपुर है ना, समस्तीपुर। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर दोनों में से कौन सा जिला है ना आपको लिए अच्छा लग रहा है, पूर्णिया या समस्तीपुर, इस दोनों में से कहीं एक जगह मैं आने के बारे में खुद सोच रहा था, तो कभी आ जाऊंगा आप लोग मिल लेना इधर ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सर जी लेखक की रचना का नोट्स बना दीजिएगा। हाँ लेखक की रचना का नोट्स कह रहे बच्चों, आपको ये जो नोट्स दूंगा इसके ऊपर में लेखक का रचना का प्रॉपर नोट्स मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। सर वीडियो बनाइए कि अभी से कैसे पढ़ाई करें बच्चों, ये सब देखो ये सब वीडियो सर आपको देखो बनाने का हम बना देंगे, लेकिन आपको वीडियो देखना क्यों पड़ रहा है? आप खुद इतने मोटिवेट हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम सामने है, मतलब कैसे पढ़ें ये? आप सिलेबस से पढ़ो ना, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपका कम रह गया है, जो सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है उसको पढ़ो ना, इसमें बताना क्या है। क्वेश्चन सर जी हिस्ट्री का क्लास कब से होगा? बहुत जल्दी, आप लोग हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री को हम एक प्रॉपर वे में नोट करके हम हिस्ट्री का क्लास करा देंगे, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। क्वेश्चन है सर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छा रहेगा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सर लाइए। मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब सब नोट्स पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, नोट्स इसलिए मैं नोट्स पर लगाऊँ सर, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ आपसे पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, बस अपने घर में एक क्वेश्चन बैंक रखना और डेली प्यारे बच्चों आपका एक आख सेट उसमें लगाना है, मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक से एक सेट उसमें लगाना, और अपने अंदर से वो जो फीलिंग है ना कि सर ऑफलाइन नहीं पढ़ते, वो किस मतलब वो डर हटा देना। अगर डर रहेगा तो आपका नंबर कम आएगा, मेरी गारंटी है, आप उस डर को हटा दें। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई भारी दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे। हम लोग बच्चों 10th इंटर के बाद फिर ऑफलाइन कभी नहीं पढ़ा, ऑनलाइन के माध्यम से कंपटीशन वगैरह सब कुछ पढ़ा। तो ऐसा नहीं कि ना ऑनलाइन पढ़ के नीट का एग्जाम निकल सकता है, ऑनलाइन पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम निकल सकता है, ऑनलाइन पढ़ के एनडीए का, एसएससी सीजीएल का, बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, ये सब निकल सकता है। तो ऑनलाइन पढ़ के मैट्रिक क्यों नहीं निकल सकता? सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग पर आप फोकस करें, हैंडराइटिंग आपका बहुत सुंदर होना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा हैंडराइटिंग को आप अच्छा बनाएं, हैंडराइटिंग से बहुत नंबर आता है। सर जी आप इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं? देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात कही आपने, आज डीजे बज करके जब जा रहा था मेरे पास से 2-3 बार गया और मैं एकदम पूरी मतलब कि पूरी शिद्दत से आपका नोट्स लिख रहा था, उस समय मैं भी खुद से ये पूछ रहा था कि ये डेडिकेशन कैसे है। तो प्यारे बच्चों हमने एक चीज़ सीखा है जिंदगी में कि ये जो आपका अभी उम्र है ना, ये जो मेरा उम्र है ना,
अगर मैं इस उम्र में 4-5 साल मेहनत कर लूंगा बहुत ईमानदारी से, तो मेरी आगे की जिंदगी पूरी अच्छी बन जाएगी, एक अच्छा खासा अमाउंट बच्चों, एक अच्छा खासा पैसा भी मैं कमा लूंगा, एक अच्छा खासा मतलब पहचान भी हो जाएगा मेरा। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ पर्सनली, ठीक है। आपको लिए अभी क्या सोचना है, देखो मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपका जो भी लाइफ है बच्चों, इस लाइफ को जिस एज में आप हो ना, इसको अभी मैट्रिक से लेकर के फिर इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिशन क्षेत्र में जाकर के आपको सरकारी जॉब लेनी है, या तो आपको टीचर जो भी कुछ बनना है, अभी 5-6-7 साल प्यारे बच्चों मन से मेहनत कर लो। डिस्ट्रैक्शन बीच में आता है, इस एज में बहुत बार आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन एक याद रखना कि वो सबको छोड़ते हुए सबसे आगे बढ़ना है आपको अपने लक्ष्य की ओर। अगर कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे, हम पहले पढ़ते थे कि अगर आप प्यारे बच्चों अपनी उम्र का जो मेन इंसान का उम्र है, मुझे लगता है बच्चों, मुझे जैसा लगता है कि 15 साल से लेकर के 25 साल तक या 30 साल मानो, 15 से 30 साल ही एक इंसान का सबसे बेस्ट एज होता है। इसी एज के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, 15 से 30, इस उम्र में अगर आप कुछ कर गए तो बच्चों समझो, अगर इस उम्र का आपने सदुपयोग कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। या फिर बहुत लोग देखते हैं इसी बीच में प्यारे बच्चों 15 से है ना, बहुत सारे देखते हैं 18 से 22-23 तक में ही शादी विवाह कर लेते हैं, और करने के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, मैं सबके बारे में नहीं कर रहा हूँ, लगभग लोग प्यारे बच्चों कर लेने के बाद यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा उसके लाइफ में डाउन हो जाता है, चीज़ें जो अच्छी चल रही थी वो कम होने लगता है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि अभी जो समय मिला है इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इंटर अच्छे से पढ़ना, जीना जिंदगी ना, जी लेना जिंदगी, एक बार सक्सेस प्राप्त कर लो। एक बार सक्सेस मिल जाएगा ना प्यारे बच्चों, फिर आप जितनी जिंदगी जीना जी लो। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था उस समय, मैंने जब स्टार्ट किया था बच्चों पढ़ाना 2015 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय मेरी एज बहुत कम थी, 1999 की मेरी जन्म है, बताओ 2015 में कितना एज हुआ, 15-16 साल। उस समय में कोई इंसान बच्चों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैट्रिक के स्टूडेंट को, डायरेक्ट मैट्रिक, एक बार बहुत दिन पहले कुछ बच्चों को पढ़ा था, फिर मैंने डायरेक्ट मैट्रिक स्टार्ट किया ऑफलाइन पढ़ाना। उस समय कितना ताना मैंने सुना होगा, ये बच्चा क्या पढ़ाएगा, इससे क्या हो पाएगा, बहुत सारी ताना करो 2015 से लेकर के अभी तक की मैं अगर जर्नी बात करूं तो बहुत कम शादी विवाह में जा पाता हूं, क्योंकि वहां बच्चों को डिस्टर्ब हो जाता है, जाता भी हूं तो बस गया 2-4-5 मिनट, बस सिर्फ जो भोज वगैरह हुआ खाया वहां से निकला, ये हमारा लाइफ है। तो खुद को मैंने तपाया बच्चों, खुद को मैंने थोड़ा मतलब खुद में एडजस्ट किया, ठीक है ना। आप चाहोगे पढ़ाई भी हो जाए, आप चाहोगे सब जगह घूम भी लो, आप चाहोगे मजे भी कर लो, सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ नहीं बच्चों, बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब आप बहुत कुछ खो देते हो तो आज कुछ पा लेते हो, जैसे मुझे, मैं भी आपके सामने हूँ, आप मुझे जानते हो, इतने लोग मुझे जानते हैं, कुछ पैसा भी, सब कुछ है हमारे पास। अब मैं कहीं जाऊं तो आप लोग इज्जत भी करते हैं। आपको लगता होगा ना कि पढ़ते पढ़ते किसी दोस्त का कॉल आया, बुलाया किसी दोस्त ने, नहीं जाऊंगा तो दोस्ती टूट जाएगी, ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप मन से पढ़ लोगे और अच्छा नंबर आ जाएगा तो फिर वही दोस्त कहेगा ठीक किया था तुम जो मेरी बातों पर नहीं आते थे, आज तुम्हें सक्सेस मिल गया। और अगर तुम कम नंबर ला लोगे या फेल हो जाओगे और फिर उसको कहोगे कि तुम्हारे कारण से, तुम मुझे बार बार तंग करते थे, तुम बार बार ले जाते थे, इसलिए मेरा नंबर कम आया, तो वो बोलेगा कि क्या तुमको जाने कौन बोला था, तुम क्यों गए मेरे साथ में, तुम नहीं जाते मेरे साथ। ऐसे सब शब्द सुनने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। तो दोस्ती, आपको दोस्ती तो मिल जाएगी, दोस्ती तो बहुत मिलती है, पहले आप एक अच्छे मतलब एक अच्छे लेवल पर हो जाओ। आज मैं चाहूं प्यारे बच्चों दोस्त बनाना तो मुझे लगता है कि दिन में 20 बन जाएंगे, ठीक है, रोजाना बन जाएंगे। बिहार में हर जगह से दोस्त बनाना चाहूं तो बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। उसी प्रकार से मैं कहता हूं, अगर आप जिंदगी में कुछ ढंग का कर लोगे प्यारे बच्चों तो आपके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने फोकस, जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करो, रिजल्ट अच्छा लाओ। मैट्रिक में रिजल्ट आने से अच्छा क्या होगा सर, लाने से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैट्रिक में मैंने मेहनत किया तो सफलता मिली। फिर इंटर में करोगे, मेहनत किया सफलता मिली। फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, मेहनत किया सरकारी जॉब मिला। प्यारे बच्चों बिहार में अगर आपको एक सरकारी जॉब मिल जाता है तो आपके मम्मी पापा को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि 60 साल का जो आपका जो पीरियड होता है जॉब का, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। आपका जो आने वाला फ्यूचर है, आपका जो आने वाला भविष्य है, आपकी जो संतान है, वो सबका लाइफ सेटल हो जाता है लगभग। इसलिए ये 15 मिनट की जो बातचीत हुआ अभी, इसका सार यही है प्यारे बच्चों कि आप ये देखो, ये मैं अंधेरे में नहीं फेंक रहा हूँ कि मेहनत है ना, लोग कहते हैं मेहनत करने से सफलता मिलती है, मिलती है, मिलती है,
मैं इस बात को 100% मानता हूँ प्यारे बच्चों, मैंने किया है 2015 से अभी तक। और एक स्टूडेंट जो मैथ पढ़ने से डरता था, मैं बताता हूँ बच्चों, जो मैथ का एग्ज़ाम होता था मुझे डर लगता था, जो इंसान मैथ पढ़ने से डर लगता था, मैथ एग्ज़ाम से डरता था, वो आज कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे उसे जान रहे हैं। ये सब मेहनत का फल है। आप भी खुद को कमरे में बंद करो, आप भी खुद को, खुद के मन को मारो, आप भी मन से पढ़ो, आप भी जीवन में बहुत अच्छा करोगे, अपने मम्मी पापा भैया दीदी सबके सपने को पूरा करोगे। आज मेरी दीदी फक्र से कहती है कि मेरा भाई ऑनलाइन पढ़ाता है, मेरे जीजा जी कहते हैं मेरा साला ऑनलाइन पढ़ाता है, मेरे मम्मी पापा कहते हैं मेरा बेटा ऑनलाइन पढ़ाता है। तो एक दिन आप भी कुछ ऐसा करो बच्चों जो आपके ऊपर आपके मम्मी पापा फक्र करें। इस उम्र में बहुत दिक्कतें होती हैं, एक दूसरे लिंग के प्रति हमारा क्या होता है, मन करता है बात उत करने का, जैसे लड़का तो लड़की, लड़की तो लड़का से। लेकिन ये सभी चीज़ों को मतलब प्यारे बच्चों दूर रख करके थोड़ा सा, इन सभी से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट देना अपने लक्ष्य को। लेकिन एक बार अगर आप सक्सेस कर जाओगे, एक अच्छी उम्र में सब होती है, आपके मम्मी पापा आप सबका विवाह करा देंगे, 22-23 साल के आएंगे, अब देखो मेरे लिए रिश्ते आने लगे हैं, कहते हैं कि शादी कर लो, अभी नहीं करना है, है ना। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन आप पहले अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दो, ये सब चीज़ हो जाएगा बच्चों, अपने आप होगा। हर इंसान का हुआ है, किसका नहीं हुआ बताओ, सबका होता है, आपका भी हो जाएगा, लेकिन आप पहले पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये एज वही करने के लिए है, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ये भगवान दिया गया जो उम्र है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बाकी मुझसे जो हो पाए मैं आपके लिए करूंगा। ये नंबर है, जो लोग कॉन्टैक्ट, जो लोग नहीं जुड़ पाए नोट्स में जुड़ जाना प्यारे बच्चों, 2 घंटे में नोट्स भी देना है। अगर कुछ भाषण में देने में कुछ ज़्यादा बोल दिया तो क्षमा करना बच्चों, बोलते समय कुछ अगर बोल दिया हो तो क्षमा करना। आपके मम्मी पापा भी देखते हैं तो उनको भी कहिएगा, अगर मेरे गुरु जी से कुछ दिक्कतें हो गई हो बोलने में कुछ, तो क्षमा करें मुझे, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कि आपके पास प्यारे बच्चों एक अच्छा ही मोटिवेशन पहुँचाएँ, आप चीज़ों को समझो, ठीक है। लव यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे आपके मम्मी पापा को सिर झुकाना पड़े, आपके लिए कभी उसे माफ़ी मांगना पड़े, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। लव यू बच्चों, आपके कारण से आपके मम्मी पापा का सिर ऊंचा उठे, लोग जाने आपके नाम से कि उनके पिताजी जा रहे हैं, उनके माताजी जा रहे हैं, और आप जीवन में बहुत सफल पाओगे। मेरा आशीर्वाद है आप सभी को प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी कोई क्लास नहीं होगा, हम नोट्स लिखने में बिजी हैं और आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।